कि कुछ नहीं होने वाला। ओ शिट, ये क्या कर रहा है? अरे खतरनाक है गाइस ये तो। हाँ, इस पर फ्लाई करके बैठ के मजा आएगा। शिट यार, मेरे को यहाँ से निकलना पड़ेगा गाइस। अबे इसने मार डाला मेरे को पूरा। शिफ्ट ऑफ, शिट 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 शिट। मैं भी इसको मार नहीं सकता, इससे ज्यादा एचपी कम हो जाएगी इसकी। हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। वापस हम लोग आ चुके हैं पाल वर्ल्ड में। आज गाइस हम लोग थोड़ा और एक्सप्लोरेशन के लिए जाने वाले हैं। वहां पर जो भी ऑब्वियसली हमको जो पाल मिलेगा उसको तो कैप्चर करेंगे, बट गोल रहने वाले कि आज ना ये वाला जो एरिया है यहाँ पे, इस एरिया को यहाँ पर भी मैप है, मतलब अभी पता भी नहीं चल पा रहा है कि कहाँ कहाँ मैप है, बट हम लोग ना इस ये कोल्ड वाला आई थिंक एरिया होगा, बीच वाला एरिया है, पता नहीं कौन सा एरिया, बट हम लोग इस जगह को जाएंगे। और वहां जाने के लिए मेरे पास ना एक बहुत जबरदस्त वाला ग्राउंड पाल है जो कि चलने वाला है, तो उसको मैं सोच रहा हूँ कि उसका सेडल बना के उसको लेके जाऊं। प्लस हम लोग उस पाल को और बेटर बनाने के लिए कुछ दो पाल्स को हम लोग ब्रीड कराने रखने वाले, ताकि दो बेस्ट पाल्स को मैं ब्रीड कराने के लिए छोड़ रहा हूं, ताकि उनको जब मैं ब्रीड कराऊं ना तो उनसे जो हमारा रनर वाला पाल होगा, मैं पहले तो निकाल देता हूं कि कौन सा वाला पाल हम लोग लेके जाने वाले। वो पाल हम लोगों ने ना ये देखो फैंगलोप, तो फैंगलोप को मैं लेके जाने वाला, इसको मैं यहां पर डाल रहा हूं अभी। फैंगलोप हमको और अगर ब्रीड कराने तो हमको बेसिकली कैटीवा और एक दूसरा एक और पाल था कोई, उसको हाँ सिनेमोथ, उनको हमको ब्रीड कराने रखना होगा, जो कि मैं करने वाला हूँ। तो पहले इन दोनों को हटा देता हूँ। हम लोग चलते हैं बाय एलिमेंट। तो यहाँ पे मेरे को कैटीवा देखना है। मुझे ना कैटीवा, मैं चाह रहा हूँ कि जो इनके पेरेंट हो उनके जो इस पैसिव स्टैट्स हो एकदम परफेक्ट हो, तो मैं ट्राई कर रहा हूँ। यहाँ पे मेरे पास जैसे कि कौन सा मेरे को मिल लकी वाला भी है, बट मेरे को ये चाहिए एक। तो यहाँ पे है क्या कुछ? मैंने देखा तो था यार कैटीवा में था कुछ तो हमारे पास। अच्छा कैटीवा हो सकता है, हमारे पास कैटीवा बहुत है। स्विफ्ट वाला एक है, ओके एक स्विफ्ट वाला है। क्या हमारे पास और भी कोई है? और सिनेमोथ हम लोग देखते हैं, सिनेमोथ में हमारे पास कौन सा पाल है। मैं चाह रहा हूँ कि स्विफ्ट वाला रनर वाला कुछ मिल जाए, उसमें हमारे पास रनर है हमारे पास, ओके। और बेटर कुछ है क्या? वैसे स्विफ्ट और रनर ना दो बहुत अच्छे स्टैट्स अगर हमको किसी में मिलते हैं तो। अब पता नहीं यार ये मिलेंगे नहीं मिलेंगे, बट एक बार ना पहले मैं खाना वाना खा लूं जरा। कहाँ गया, कहाँ चले गए ये लोग? कुछ काम करने लग गए पक्का, मुझे लग रहा है। यहाँ पर काम कितना ज्यादा हो रहा है यार, क्या क्या मैस हो रखा है बिल्कुल यहाँ पे। ओके तो ये यहाँ पे तो सीट इधर मैं तेरे को उठा के लेके जा रहा हूँ। कहाँ है? ओके इसको लेके जा रहा हूँ मैं, मधुमक्खी को, सिनेमोथ को, और हमारा कैटीवा तो ऑलरेडी शायद वहां चला गया। अब गारंटी नहीं है कि अगर पेरेंट के स्टैट्स अच्छे हैं तो बेबीज के भी होंगे, बट चांस है। देखो 10 अंडे निकलेंगे तो एक में किसी ने तो अच्छे मिल सकते हैं ना। तो इसको पहले यहाँ पर डालता हूँ, ये एग मैं यहाँ से निकाल रहा हूँ। अबे तो इधर आ, इधर आ। हाँ तो गाइस देखो मेरी पूरी मेहनत है, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि यार अभी जो अपने पास करंट पाल्स है ना, देखो आप लोग मेरे को बहुत खतरनाक कॉम्बिनेशंस दे रहे हो कि आप इन को ब्रीड कराओ ये निकल जाएगा, बट मेरा पता गोल क्या है, मैं आपको क्लियर अपना गोल बताता हूँ। ब्रीडिंग से मैं अभी सिर्फ ये करना चाह रहा हूँ कि मेरे पास मेरे पास जो पाल्स है ना, जैसे कि मेरे पास सपोज जर्मनटाइट इग्निस है, जर्मनटाइट है मेरे पास, या फिर मेरे पास सुजाकू है, मैं चाह रहा हूँ कि उनके जो पैसिव स्टैट्स है ना वो बेस्ट करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसीलिए मैं ब्रीड करा के, अब देखो मैंने जो पकड़े हैं उनमें तो बेस्ट स्टैट्स नहीं है, बट मैं ब्रीड करा के बेस्ट स्टैट्स निकालूंगा और उनको फिर मैं वैसे करके उनको अपना मेन पाल बनाने की कोशिश करने वाला हूँ। ये मैंने डाल दिया, मैं फटाफट से ना एग डाल देता हूँ यहाँ पे। आई होप कि अपना केक बन चुका होगा। मैंने जर्मनटाइट को लगाया हुआ था, तो आप लोगों ने मेरे को कमेंट किया था, और वैसे भी लास्ट एपिसोड आप लोगों ने देख ही लिया होगा जब हम लोगों ने जर्मनटाइट को कैप्चर किया था वाटर पाल को। जर्मनटाइट इग्निस भी वैसा ही खतरनाक होगा अगर हम लोग जब कैप्चर करेंगे, बट मेरे पास ये एग से निकल के आगे पता नहीं कहां से आया, मुझे लग रहा है कि मैंने इसको ब्रीड नहीं कराया, ये मुझे ना किसी एग में मिल गया, जैसे कि हमको कोई एग मिलता है ना उसमें मिल गया, मैं मेल फीमेल ला रखो बस ये। हाँ लकी रहे यहाँ पर हम लोग, एटलीस्ट दोनों जो बेस्ट स्टेट्स है दोनों के वो मेल और फीमेल है। अभी टाइम लगेगा इनका एग निकलने में। अब देखो गारंटी तो नहीं है, बट चांस है, बहुत चांस है। अगर हम लोग दो कोई नॉर्मल पाल्स को भी यहाँ पर डालते हैं ना, तो उनका भी जो बेबी होगा उसके चांस है कि उसके बेटर स्टेट्स होंगे यहाँ पे। तो वही मेरी कोशिश है। बाकी हम क्या यहाँ पर आटा है अपने पास, और केक में बना डाल दे रहा हूँ। पेल्डियम थोड़े से और बनाने में डाल रहा हूँ, 251, इतना तो नहीं, कम डाल रहा हूँ मैं, ठीक है ये डाल देता हूँ। देखो अपने बेस में ना आके काम करना पड़ता है, मतलब पूरा काम करके जाना होता है, क्योंकि ये लोग इतना ज्यादा फुली ऑटोमेटिक भी नहीं है ना, मतलब मेरे को काम करना पड़ेगा वहाँ पे एटलीस्ट ये सारे काम, और उसके बाद बाकी ये तो संभाल ही लेते हैं। वो कहाँ चला गया मेरा? मेरे पास ये था। हाँ अब चल रहे हम लोग सीधा अपने फर्नेस के पास में, और यहाँ पर जो इनगेट मैंने अभी लगा रखे है ना 20, उनको तो मैं अभी हटा रहा हूँ, कैंसिल करता हूँ। इसको मेरे को लेना होगा किसी भी तरीके से। पहले ना एक काम करता हूँ, ये आएगा मेरे पास, आ जाएगा शायद। ओके आ चुका है। अब जाके हम लोग लगा देते हैं यहाँ पे मैक्स 60। लास्ट वाले एपिसोड में जब हम लोगों ने जर्मनटाइट को मारा था, तो मेरे पास ना गाइस वो नहीं था, मतलब वो जो बेस हम लोगों ने मेन अपना एक और बेस बनाया था ना माइनिंग वाला, मैं वहां से तोड़ दिया था उसको, तो अभी वापस उसको हम लोग बना लेंगे, इतना कोई अभी कमी नहीं पड़ रही। यहाँ पे मेरे हाइपर स्पेयर्स बन रहे हैं मेरे पास, एक सेकंड देख लो जरा कौन कौन से स्पेयर्स हैं हमारे पास। नॉर्मल स्पेयर तो मेरे पास मिल जाएंगे, मेगा स्पेयर है, गीगा स्पेयर है, हाइपर स्पेयर है, ऑलराइट ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। नॉर्मल मेगा
ज्यादा बना लो क्या, थोड़े से और 25 और बना लेता हूँ मेगा पल्स। और हमारे पास, मैंने ना देखो, मैंने यही कोशिश करी थी गाइस कि मैं बेस्ट फ्लाइंग माउंट बनाने के लिए मैं क्या कर रहा था कि मैं दो वेनवर्म को ब्रीड करा रहा था ताकि उनमें से जो वेनवर्म आए उसके पैसिव सेट्स अच्छे हैं। बट मेरे को ज्यादातर वैनगार्ड मिल रहा है और मसल हेड मिल रहा है, यही मिल रहा है। ये फाइटिंग के लिए तो बेटर है, बट मेरे को यार रनिंग मसल हेड, देखो फिर से मसल हेड मिला मेरे को, वो चाहिए था यार जिसका वो मतलब कि जिसके स्टेट्स फ्लाइंग के लिए ज्यादा काम आए। हमारे पास नहीं मिल रहा, मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ, टाइम बहुत लगने वाला है इस चीज में अपने पाल्स को ओपी बनाने में गाइस, बहुत टाइम लगने वाला है। देखो इतने एग निकाल दिए मैंने, किसी में मेरे को अच्छा पैसिव स्टैट नहीं मिला अभी तक, कहाँ कहाँ चला गया ये, इसको भी डाल रहा हूँ। और ये एक ह्यूज एग था जो हम लोगों ने, मेरे को याद है ये तो मेरे को मिला हुआ था कॉमन एग, इसको मैं पहले निकाल लेता हूँ। लार्ज एग का मतलब है कि अच्छा ही कोई पाल निकलेगा इसमें से, इनमें से मिला गया ग्रीन टेल मिला हमको और मोटिवेशनल लीडर है। इसमें ना गाइस वो एग है जहां से हमको अभी तक का सबसे बेस्ट फ्लाइंग पाल मिलेगा जो कि है फ्लैरिस। आई होप कि फ्लैरिस निकले, फ्लैरिस ही निकले, फ्लैरिस। तो हमारे पास फ्लैरिस आ चुका है। देखो लेजेंडरी पाल्स की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, लेजेंडरी पाल्स मेरे को पता है कि बहुत बेस्ट बेस्ट है यहाँ पे, उनको छोड़ के अभी जो बेस्ट हो सकता है ना फ्लैरिस, फ्लैरिस है हमारे पास और अभी फिलहाल के लिए तो फ्लैरिस ही है। तो फ्लैरिस हमारे पास है, बट अभी प्रॉब्लम यह है कि इसका हमको शायद माउंट अभी मिल नहीं पाएगा, तो इसका माउंट लेने के लिए हमको मेहनत करनी पड़ेगी। पहले तो एक बार फ्लैरिस को निकाल के देखते हैं कि फ्लैरिस क्या दिख रहा है। यार इन सब पाल्स के लिए ना यहाँ पर जगह थोड़ी कम पड़ रही है, जो जॉर्मोटाइड है, जॉर्मोटाइड इग्निस है, वो बड़े बड़े पाल्स हैं और कई बार काम करने के बजाय वो स्टक हो जा रहे हैं, जो कि एक बहुत बड़ी समस्या है, हमको उसका हल निकालना पड़ेगा गाइस। तो सबसे पहले फ्लैरिस को निकालता हूं मैं, वेनवर्म अभी तक लेके जा रहा था बट फ्लैरिस का शायद मैं अभी तो इस्तेमाल नहीं कर पाऊंगा। कितना प्यारा लग रहा है यार ये, कितना सही लग रहा है गाइस, देखो ये यहाँ कहाँ पर, ओ टॉर्च भी जलाने का काम करता है, ये तो बढ़िया है। टॉर्च वॉर्च भी जला रहा है। तो देखो ये भी एक फायर टाइप पाल है और बहुत तेज है, एटलीस्ट वेन वर्म से तो काफी तेज है। बट प्रॉब्लम ये है कि ये इसके स्टैट्स एक बार देखो क्या गाइस, क्या है इसके स्टैट्स, कहाँ गया फ्लैरिस। यार पैसिव स्टैट्स अच्छे कभी नहीं मिलते मेरे को, देख रहे हो ये देखो, इनक्रीज वाटर अटैक डैमेज, देखो ये जो पाल्स है ना इनको मैं अटैक से ज्यादा प्रेफर कर रहा हूँ कि यार ये मेरे काम आएंगे फ्लाई करने के तेज, बट नहीं हो पा रहा फिलहाल। हमारे पास एक यहाँ पे वो है, मैं एक बार देख लेता हूँ कि इसका हम लोग जो सैडल है, जो माउंट है, कब अनलॉक कर पाएंगे। तो अभी हम लोगों ने गेल क्लॉक के पंजे मेरे को बनाना है, गेल क्लॉक भी काम आएगा कभी वैसे। तो फैंगलॉप का सैडल हम लोग अनलॉक कर सकते हैं, बाकी अगर हम लोग इसका देखें बीकन का सेडल, बीकन भी काफी फास्ट है, वैसे उससे फास्ट ही है बीकन। इलेक्ट्रिक ऑर्गन यार ये मैं अनलॉक तो कर सकता हूं बट मैं इसको शायद अभी बना नहीं पाऊंगा, तो छोड़ दो अनलॉक करना भी छोड़ दो। फ्लैरिस का सेडल बनाने के लिए लेवल 38 चाहिए गाइस हमको, 38, बाकी हमारे पास सामान तो ऑलमोस्ट सारा ही है। तो अभी हम लोग सबसे पहले एक सेडल बना लेते हैं फैंगलॉप का, और फैंगलॉप का सेडल बनाने के लिए हमको फैंगलॉप का सेडल बनाने के लिए हमको पेल्डियम फ्रेगमेंट और क्लॉथ चाहिए। तो सबसे पहले क्लॉथ बना लेते हैं, पेल्डियम फ्रेगमेंट तो अपने पास गाइस है काफी सारा, उसकी दिक्कत नहीं है। अब मैं यहां पर किसको डालूं, ये तब तक यहाँ पर ये बना लेगा, और ऊपर मैंने केक डाल रखा है तो हम लोग ऊपर वो काम भी करके आ जाएंगे। बट उससे पहले हमको पेल्डियम फ्रेगमेंट चाहिए थे, पेल्डियम फ्रेगमेंट अपने पास आ चुके हैं गाइस, और यहाँ पर एग इन्होंने निकाल दिया है। तो अगर मैं यहाँ पर और केक डालता हूँ तो और एक्स्ट्रा यहाँ पर एग आ जाएंगे, उसके लिए केक बनाने पड़ेंगे। केक मैंने ऑलरेडी बहुत खर्च कर लिया, केक बनने में ना टाइम ज्यादा लग रहा है, दिक्कत यह है केक बना तो लूं लेकिन वही कि टाइम ज्यादा लग रहा है केक बनने में। एक सेकंड एक काम करता हूँ, इसको मैं पहले कैंसिल करता हूँ। अरे इधर आ जाओ यार, ये कहाँ चला गया, दूध आ जाओ। अब जाके हम लोग ना यहाँ पर मैक्स 9 केक बन रहे हैं। प्रॉब्लम यह है कि मैं यहाँ पर डालू किसको, मेरे को यार ये यहाँ पर लगे रह रहे हैं, इस वजह से। तो मैंने लास्ट एपिसोड में एक बार पहले भी मैंने किया था, मैंने ना सारे कूलर हटाए थे गाइस, ये कूलर नहीं सॉरी हीटर की वजह से क्या हो रहा है कि यार ये लोग ना वहाँ पता नहीं क्यों चलने लग जा रहे हैं, मुझे नहीं चाहिए वो काम करना। हीटर की जरूरत भी पड़ रही है यहाँ पर, बट अभी ये लोग ना सबका ध्यान भटक जा रहा है। आई होप कि हम लोग सही चीज़ को तोड़ रहे हैं। चलो अभी ये लोग यहाँ पर लगेंगे ना, वेट हो गया ज्यादा। वेट बहुत ज्यादा हो चुका है यार। ओके गाइस, तो यहाँ पर मैं एग तो डालने वाला हूँ, पहले जो अभी हम लोगों ने बनाया था, अभी हम लोगों को मिला है ये वाला कॉमन एग, इसका नाम है, लेकिन इससे हमको पता है कि हमको वो मिलने वाला है फैंगलॉप, तो 6 मिनट में बन जाएगा। बट उससे पहले हम लोग जो काम करने वाले थे ना उसको कम्प्लीट कर लेते हैं, यानी कि इसने क्लॉथ तो यहाँ पर बना लिया है, अब जाके हम लोग सेडल बना लेते हैं गाइस। तो हम लोग सेडल बनाने वाले हैं फैंगलॉप का, और मुझे करने की जरूरत नहीं है, ये आ जाएगा ना, जरा ये काम कर ले तू, और मैं ऊपर से ना जो नॉर्मल वाले पाल स्पेयर से वो लेके आता हूँ। उसके बाद हम लोग यहाँ पे चल रहे हैं, हमारा बेस अच्छे से काम कर रहा है। क्या यहाँ पे मुझे अपने स्टेट्स, अभी मुझे 18-23 चाहिए। और वुड इस जगह पर, वुड इतना ज्यादा कैसे, कौन कब माइन करके चला जा रहा है पता ही नहीं चलता मेरे को। यहाँ पे हमारे ये सब सामान है, इनको निकाल लेता हूँ फटाफट से। ओके गाइस, तो इसमें से मेरे को एरोज थोड़े कम करने पड़ेंगे, एरोज बहुत ज्यादा है। वैसे 200 है ना, 200 चलेंगे, 140 ये भी है। वुड मेरे को हटाना है यहाँ से, बाकी खाना तो अपने पास है, दूध हटा रहा हूँ यहाँ से मैं, दूध बल्कि फ्रिज में रख रहा हूँ गाइस मैं।
कूलर के अंदर, सॉरी कूलर के अंदर दूध डाल रहा हूँ, दूध है और बाकी सब तो सही है। ये भी मैं कूलर के अंदर डाल रहा हूँ फिलहाल, और यहाँ पे मैं वुड डाल रहा हूँ। एक और एग होगा, मेरे को केक चाहिए थोड़ा ज्यादा, केक रख के जाऊंगा मैं ताकि जब मैं वापस आऊँ ना गाइस तो यहाँ पे मेरे को एग मिले। कॉइन्स को मैं यहाँ पर रख रहा हूँ, ये वो मैं यूज तो करता नहीं तो उसको लेके जाके फायदा है नहीं। ये भी यहाँ पर रख रहा हूँ, और एक कुछ चीज रखनी थी ना मुझे वुड, आई होप कि नीचे उसने पैंगलोप का वो बना लिया होगा। बन चुका है गाइस, फैंगलॉप का बन चुका है। गेल क्लॉक का बनाए क्या हम लोग ये भी यूज कर सकते हैं। हैंग्यू का ग्लव्स, ये भी काम आता है वैसे। उसके बनाने के लिए क्या चाहिए, हम लोगों ने अनलॉक नहीं करे क्या गेल क्लॉक के? अनलॉक नहीं करे लग रहा, बट ठीक है। हमको देखो यार, हमको ना दोनों पाल चाहिए, हमको ये भी चाहिए फैंगलॉप, और हमको चाहिए वहां पर एक बार बाय लेवल कर लेता हूं। वेनवर्म भी हमको चाहिए एक अपने पास, तो वेनवर्म भी अपने पास लेके जाना ही पड़ेगा मेरे को। बाकी फाइट में अपने को कौन सा लेके जाना है, देखो वहां पर फायर वाला एरिया है तो वहां के लिए मुझे जो पाल चाहिए, मुझे लग रहा है कि वहां के लिए हमको ना वाटर टाइप पाल चाहिए, तो मैं वाटर टाइप में अभी इसको डाल रहा हूँ। ठीक है, फ्लैरिस को छोड़ रहा हूँ मैं, इसकी जरूरत शायद ना पड़े। और उसके अलावा हमारे पास गॉफविन भी है, करंट इलेक्ट्रिक टाइप में मोसांडा है हमारे पास। एक तो मेरे को ये लेके जाना ही पड़ेगा, ये तो सबसे बेस्ट है। स्विफ्ट है इसके पास, बट उससे अलावा एक और बेटर था स्विफ्ट, इसके पास भी स्विफ्ट है। एक और बेटर वाला था ना गाइस हमारे पास, मसल हेड, इसको मैं लेके जा रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, मसल हेड हो गया हमारे पास, जॉर्मेटाइट इग्निस की तरह क्या लेके जाऊं मैं, एक इसको लेके जा रहा हूँ। हमारे पास ये हो गया, हमारे पास ग्रास ग्राउंड टाइप हो गया, हमारे पास ड्रैगन और वाटर टाइप हो गया, हमारे पास फायर टाइप हो ही गया, के हिसाब से ये हो गया हमारे पास। सब हमारे अपने जो पाल्स है ना बैटर आ चुके हैं, अब मेरे को फटाफट से इनको खाना वाना खिलाना सबको। और एक बार फैंग लूप का मैं देखता हूँ कि कितना तेज भाग रहा है, ये ना डबल जंप भी करता है, तो हम लोग इजिली कहीं भी किसी भी टेरेन में जा सकते हैं, नेविगेट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। यहाँ पर अपना बेस में अच्छे से काम चल रहा है, बेस में ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है नहीं। इसको लगने वाला है टाइम, ये होने वाला है थोड़ी देर में, और हम लोग तब तक केक बन चुका क्या अपना? यार एक भी केक नहीं बना अभी तक। मुझे लगता है कि यार बूशी तो अभी रहने में डाल रहा हूँ इसकी जगह, ये इसको डाल रहा हूँ। अब तो जाएगा सही जगह पर काम करेगा, इसको अगर पता चल जाए ना कि इसको काम कहाँ पर करना है। ये इतना बड़ा है ना, प्रॉब्लम हो रही है इसको काम करने में यहाँ पर। वैसे फ्लैरिस भी लगा हुआ है, फ्लैरिस तो तू रहन दे यार, ये जल्दी केक बनाएगा। फ्लैरिस को मैं हटा रहा हूँ अभी अपने बेस से, क्योंकि दो फायर टाइप होंगे ना तो वो दोनों वही काम करने लगेंगे। फ्लैरिस की जगह मैं इसको डाल रहा हूँ, ये एटलीस्ट थोड़ा बहुत कुछ काम करेगा। ऑल राइट गाइस, तो हम लोग चलने वाले, एक बार पहले निकाल के देखता हूँ। हमारे पाल सारे सेट हो चुके हैं, इसमें बैठते हैं हम लोग। एक सेकंड, मेरे को राइड तो करने दे, कुछ और तो नहीं चाहिए हैं? कुछ और ना चाहिए? नहीं 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 नहीं, अब डबल जंप में देख रहा हूँ। क्लाउड, एसिड रेन, एक्वागन, आई थिंक ये देखो हम लोग कितने इजीली मतलब पहाड़ पर चढ़ सकते हैं। ये बहुत फास्ट है अभी तक का सबसे, ओ शिट, अभी तक का सबसे फास्ट है गाइस ये। यार ये कहाँ पहुँच गए हम लोग, अलग ही दुनिया फंस गए। वो वहाँ पर केक बनाने में लगा हुआ है, आई थिंक इसने केक बना लिया होगा अब तक, तो हमारे पास ना एग ज़्यादा आ जाएंगे। दो केक बना चुका है, देख लो कितनी जल्दी काम करता है, दो केक बना दिए इसने इतनी जल्दी जल्दी। तो ये फ़ायदा है लेवल अप वाले पाल्स का होने का। अभी मैं फटाफट से केक यहाँ पर ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, और अपने पास पॉइजन एरो है, पॉइजन क्रॉसबो है अपने पास, पॉइजन क्रॉसबो में डाल रहा हूँ। चलो सब कुछ तो है अपने पास गाइस, हम लोग बस निकल रहे हैं। एक बार बस यहाँ पर देख लो क्या हो चुका है, ये वाला हो चुका है गाइस, ये दोनों हो चुके हैं। एक बार इनको निकाल के देखते हैं। इससे हमको मिला फेंगलोप, नहीं वेनवर्म मिला, वैनगार्ड मिल रहा है यार, सेम चीज़ें मिल रही, बार बार सेम चीज़ें। फेंगलोप तो मिला, एटलीस्ट कंफर्म हो गया कि यही बॉर्न होगा, बट कुछ खास मिला नहीं हमको। तो गाइस हम लोग कहाँ पर जाने वाले हैं आज हम लोग गाइस जाने वाले हैं, देखो एक तो यहाँ पर ना कैट्रेस है, तो क्यों ना हम लोग कैट्रेस को मारते हुए चले, इसमें चलते हैं हम लोग। एसिड रेन करूँ गाइस इन लोगों पर, मैं एसिड रेन करता हूँ, रुक जाओ। कहाँ से एसिड रेन करता हूँ, कहाँ पर है ये, इधर आओ। ओके, तो एसिड रेन पूरी एरिया में फैल जाती है। और क्या दिखाऊँ, एक्वागन यार, कूल डाउन पीरियड होता है इनका, दिक्कत तो ये है गाइस। बहुत तगड़ा, उसकी हेल्थ खत्म ही हो गई है, मैंने रिंग ऑफ मर्सी पहन रखी ना, इस वजह से जाएगा नहीं। तो ये डंजन बॉस है, हम लोग निकलते हैं। टावर तो नहीं है, डंजन बॉस है, जल्दी से चलते हैं गाइस, इसको मार के आते हैं हम लोग। 1800 HP के लिए मेरे को कोई खतरनाक पाल की जरूरत है ही नहीं, क्या मार के दिखा रही तू। ओह, ये काम अच्छा करती है शायद ना बेस में, इसीलिए आप लोगों ने सजेस्ट किया था मेरे को गाइस, तो बेस में अच्छा काम करती है। अरे तुम लोगों को क्या, मैंने मना कर रखा है फाइट करने के लिए हैं? एक सेकंड रुक जाओ, क्यों नहीं फाइट कर रहा है, करो फाइट उस पर यार। हाँ ये देखो, इस इतना बढ़िया काम करते हो यार तुम, क्यों फाइट नहीं कर रहे हो? मुझे लग रहा है कि ना बड़ा है यार ये ग्राउंड टाइप, इसको भेज रहा हूँ मैं। देखो जॉर्मेटाइट की दिक्कत यही है ना, ये बहुत बड़ा पाल है, मूवमेंट बहुत स्लो है इसकी, बट हम लोग इसको पैसिव स्किल दे सकते हैं। अच्छा मैं अभी अपने वाले को ही मार रहा था, कैट्रेस तो सही में एक्ट्रेस ही लग रही है यहाँ पे। इसको मार के बेस में क्या काम करेगी मेरे को देखना है, क्योंकि मेरे को अच्छे पाल्स, ये लेवल अब तो मेरे को लग रहा है कि लेवल 4 वाला चाहिए मुझे, कोई तगड़ा जो बेस में अच्छा काम करे। और बेस के लिए ना सबसे छोटे छोटे पाल बेटर होते हैं गाइस, वो अच्छा काम करते हैं बेस में। एक बार देखो तो जरा क्या कर रही, थोड़ा सा खतरा तो फील हो ही नहीं रहा मुझे इससे बिल्कुल भी। क्या फेंका इसने, कुछ फेंका क्या? ओ डार्क बॉल, यार डार्क बॉल का
डैमेज है ना बहुत बेकार है, क्योंकि इतना टाइम लगाती तब तक जो एनिमी होगा, जो टारगेट होगा वो तो कहीं और ही निकल चुका होगा। देख लो कितना वीक है, कितना ज्यादा वीक है गाइस ये। इधर आ, तो वो तेरे को मार रही, इधर आ, पीछे जा, इसकी आंखों में मारो क्या गाइस। 58 का डैमेज मिल रहा है, 34 का मेरी क्रॉसबो से मिल रहा है, 11 का मिल रहा है कई बार अगर मैं बिना निशाना लगाए मार रहा हूँ तो। जरा मारो यार, ये बहुत ही स्लो है। अब पता नहीं मेरे को भाई, अगर मेरे को पहले लड़ा होता ना तो थोड़ा मेरे को स्ट्रांग फील होते। पत्थर भी डाल रही साथ में, डार्क बॉल देखो, डार्क बॉल ये देखो, डार्क बॉल ओके। फायर भी डालती है तू, फायर उसको भी आता है फायर उसको भी आता है। अच्छा तो फायर है ना, देखो रुक जाओ रुक जाओ, ड्रैगन टाइप तो ये भी है, फिर ड्रैगन टाइप तो ये भी है, देखो जरा डार्क टाइप है यार, ड्रैगन टाइप नहीं है, डार्क टाइप। ये ड्रैगन टाइप और हमारा वाटर टाइप है, इसका डैमेज देखो कितना गंदा देगा डैमेज। अच्छा करंट भी डाल रही है, आ रही मेरे पीछे पीछे धीरे धीरे, ओके कुछ नहीं होने वाला 78 HP बची हुई है। अब मैं ट्राई करने वाला हूँ इसको कैप्चर करने का, जो कि बहुत ही इजीली कैप्चर हो जाएगा। मेगा स्पेयर मैंने डाल दिया और ये कैप्चर यहाँ पे हो जाएगी पहली बार में, हो जानी चाहिए यार, नहीं हो रही है। ओके कोई बात नहीं, एक और स्पेयर खर्च करने को हम लोग रेडी है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से करेंगे हम लोग। मैं बस देख रहा हूँ कि मेरी वीडियो रिकॉर्ड तो हो रही है ना, कई बार मेरे को देखना पड़ता है। ऑलराइट, तो हम लोगों ने कैप्चर कर लिया, 1 एंशिएंट पॉइंट हमको मिला, और क्या कुछ चीज़ें मिली, थोड़े बहुत गोल्ड कॉइन मिले होंगे। तो हमारे पास आ चुकी है अभी फाइनली केट्रेस। अभी हम लोग यहाँ से गाइस बाहर निकलते हैं, बेस में जाके एक बार चेकआउट कर लेते हैं इसको कि कैसी है, उसके बाद निकलेंगे। रात हो रही है, पहले सो जाते हैं, सब लोग यहाँ पर सो रहे हैं, सिमट के सो रहे हैं। इनके थोड़े मेरे को बड़े वाले गद्दे, लार्ज वाले बेड अनलॉक हो जाएंगे ना, वो मेरे को बनाने, ताकि इनको सोने में दिक्कत ना हो। देखो काम कर रहे हैं तो मैं चाहता हूँ कि उनको प्रॉपर रेस्ट मिले, ताकि वो बेटर तरीके से काम कर पाए अगले दिन। तो हमारा जो डिक टॉयस है ना, वो बहुत ज़्यादा थक चुका है, उसको मैं अभी रिप्लेस कर रहा हूँ इससे, ये माइन कर लेगा। अभी जाके हम लोग चेक करने वाले हैं केट्रेस को, केट्रेस क्या करती है यहाँ पे, एक बार देखे जरा इसके स्किल्स देखें हम लोग। ड्रैगन टाइप पाले, डार्क टाइप, सॉरी बार बार ड्रैगन टाइप की बोल रहा, डार्क टाइप है, फायर टाइप भी है, उसके अलावा इग्निस ब्लास्ट भी है इसके पास, और हाँ इग्निस ब्लास्ट एक और इसके पास स्किल है, लेकिन 30-40-50-55 मैक्स है, तो ज्यादा कुछ डैमेज तो नहीं है। पैसिव स्किल के नाम पर 0, ऑलमोस्ट सब कुछ लेवल 2 का कर लेती है, मेडिसिन प्रोडक्शन करती है, हैंडीवर्क करती है, ट्रांसपोर्टिंग करती है, ठीक है उतनी बुरी भी नहीं है, बट ठीक है। अभी मेरे को लेवल 3 और लेवल 4 वाले मेरे पास हो चुके हैं ना, तो मेरे को लग रहा है कि उस हिसाब से तो कम ही है। तो गाइस हम लोग चलते हैं ना, देखो हम लोग चल रहे हैं, इसको भी हमको वंपो बोटान इसको भी कैप्चर करना है किसी दिन। अभी हम लोग डायरेक्टली ना यहाँ पर चलते हैं, ये वही जगह था जहाँ पर हम लोगों ने सुजाकू कैप्चर किया था। अभी हम लोग ना गाइस चलने वाले हैं इस जगह पर, यहाँ पर टावर भी है ना, कोई ना कोई बॉस होगा, जो भी होगा हम लोग देख लेंगे। फिलहाल मैं निकालने वाला हूँ इसको, और इस पर हम लोग चलने वाले हैं, खाना एक बार खा लूँ, क्योंकि कुछ भी हो सकता है आगे, अगर जल गए मर गए बहुत बड़ी दिक्कत होने वाली है। मेरे पास ये है रिंग ऑफ मर्सी, हटा के क्या मुझे हीट रेसिस्टेंट ऑलरेडी मैंने पहन रखा है, इससे ज़्यादा हीट होगी तो फिर तो मुझे कोई और लेके आना पड़ेगा ना, लेवल अप वाला वो पहनना पड़ेगा आर्मर। स्पीड सच में बहुत तेज है गाइस, क्लाउड है, बादलों से बातें करते हुए चल रहा है, डाजी देख रहे हैं मेरे को यहाँ पे, और स्टेमिना का थोड़ा चक्कर रहता है, ये सभी में है खैर, वो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर हमको हमेशा चेस्ट मिलती है यार, गोल्डन चेस्ट में ना पाल सोल मिलता है, इसमें तो दवाइयाँ ये सब चीजें मिलती है, ठीक है काम का है, बट गोल्डन चेस्ट पर मेरी नजरें रहती है। और वैसे भी ना ये जो एरिया है गाइस, एक तो यहाँ पर एग मिल रहा है, हमको एग ले लेते हैं। इस एरिया में ना चांस बहुत है, सुजाकू दिख रहा है मेरे को वापस से, कि हमको ना कोई मीडियम पाल सोल मिलेगा यहाँ पर गोल्डन चेस्ट में, तो मैं वही ढूंढ रहा हूँ कि अगर मेरे को कोई पाल सोल मिल जाए, क्योंकि पाल सोल भी अपने को चाहिए ही चाहिए। और आज हम लोग ज्यादा इस एरिया को एक्सप्लोर करने वाले, मैं मतलब बहुत एक्साइटेड हूँ। देखो हम लोग ना इस तरीके से एपिसोड्स बना रहे कि एक एपिसोड में हम लोग बड़े बड़े बॉसेस को मार रहे हैं, उसके बाद नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग ट्राई करें कि हम लोग एक्सप्लोर करें प्लस छोटे बॉस को कैप्चर करें, छोटे पाल्स को, तो बैलेंस बन के चल रहा है। मतलब ऐसा नहीं कि हम लोग सिर्फ बॉस मारे जा रहे हैं या सिर्फ छोटे छोटे पाल्स को मारे जा रहे हैं। अब यहाँ पे अभी तक तो मेरे को सारे के सारे वो वाले पाल्स दिख रहे हैं जो ऑलरेडी मैं इस एरिया से कैप्चर कर चुका हूँ। मेरे को वहां पे एक सिटी दिखी, ये कोई ऐसा तो नहीं कि जहां पे हमारे वो ट्रेड वो रहते हैं यार, यहाँ पे एक ना, हाँ मुझे पक्का गाइस चांस लग रहे हैं इसके कि यहाँ पे ना वो रहते होंगे जिनसे हम लोग ट्रेड वेट कर सकते हैं, क्योंकि ऐसी जगह पे चांस है उनके होने के बहुत। पाल सोर मिला क्या मीडियम, ये क्या चमक रहा है, ओ रहे तो यार टेम्परेचर अभी तक तो मतलब, हाँ देखो गोल्डन, पक्का मीडियम पाल सोल होगा, जी हाँ मीडियम पाल सोल मिला मेरे को। मेरा टेम्परेचर पर भी ध्यान दें, टेम्परेचर ना पूरा इधर इस साइड को आ चुका है। डायर ये तो मेरे पास है, इसको कैप्चर करने की जरूरत है नहीं अभी, यहाँ तक तो मैं आ ही चुका था ना, इस रास्ते तो मैं ऑलरेडी आया हुआ था। अभी हम लोग सुजाकू यहाँ पे, अच्छा सुजाकू प्रॉपर बॉस भी है गाइज यहाँ पे, बट हम लोग मार चुके हैं, अभी किसी और दिन इसको ट्राई करेंगे। अभी हम लोग ना गाइज चल रहे हैं, मैं बस देख रहा हूँ, सुजाकू ये वाला बॉस है तो, है ना, ये यहाँ पर रहता है, इसका मतलब है कि ओके। बट उसको भी मार लिया था, वो भी लेवल 45 का था, उसको मार लिया था, तो इसको मारने में क्या दिक्कत है, इसको भी मार लेंगे किसी दिन।
बट अभी ना हम लोग अपने काम पर थोड़ा फोकस कर ले, हमको एक्सप्लोर करना है। और सच में ना बहुत हेल्प मिल रही है गाइस एक्सप्लोर करने में, क्योंकि इतना फास्ट ये चल रहा है। ट्रेनिंग मैनुअल मिला एक लार्ज वाला, जो शायद अरे पैल्डियम फ्रेगमेंट है यार, क्यों उठाया मैंने वो। मैं टेम्परेचर पर भी ध्यान दे रहा हूँ, टोको टोको दिख रहा है मेरे को। और यहाँ पे कौन है, एक और मेरे को चेस्ट दिख रही है यहाँ पे, चेस्ट निकाल, गोल्डन चेस्ट है। अरे वाह गोल्डन चेस्ट, मीडियम पालसोल गीगा स्पेयर। गोल्डन चेस्ट ना बेस्ट है, उसमें बहुत काम की चीज़ें मिलती है। अभी चल रहे हैं ऊपर गाइस, एक काम करता हूँ गाइस, मैं ये वाला जो खाना है ना, कहाँ चला गया ये, मैं डालो फूड बॉक्स में, ताकि हमारे जो पाल हैं अपने आप खा ले, मेरे को खिलाने की जरूरत ना पड़े इनको। ये देखो कितनी हेल्प मिल रही है इससे, ये देखो गाइस आप। अरे वाह ये बहुत बेहतरीन नहीं है। ओके 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 ओके, इनके ओ शिट इनके पास ये तोप दाग देंगे मेरे पे अगर मैंने कुछ दिक्कत करी। बट यहाँ पे ना मेरे को एक वो दिखा था कैंप में, कोई बंदा दिखा था, कोई है क्या यहाँ पे? आई थिंक यहाँ पर तो नहीं है, अंदर ये वही है ट्रेडिंग पोस्ट है, जहाँ पर हम लोग इनसे मतलब ट्रेड वेड कर सकते हैं। इनके पास क्या बेहतरीन वाली चीजें होंगी जो हम लोग ट्रेड कर सकते हैं अगर ऐसा है तो। यार एक सेकंड, मेरे को यहाँ का ना अनलॉक भी करना पड़ेगा फास्ट ट्रेवल पॉइंट, और फिर जाके हम लोग एक्सप्लोर करेंगे आगे का एरिया। चलिए अभी चल रहे हैं अंदर, और ये तब तक कुछ नहीं करते जब तक मैं इनके जो ट्रेडर्स हैं उनसे फाइट वाइट ना करूं। अंदर कहाँ पे होंगे यार, वो इतना दूर है क्या अंदर, या बाहर ही होंगे? डेंजरस जगह लग रही है देखने में वैसे। ओके तो ये क्या लोग मेरे को मारेंगे, वार्म ब्लडेड डेजर्ट इनहेबिटेंट। ओके मारेंगे तो नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है जब तक मैं कुछ ना करूं। ये है हमारा पहला वॉन्डरिंग मर्चेंट, एक बार देखते हैं कि इसके पास क्या चीजें हैं गाइस। मैं बाय करने वाला हूं, एक बार देख लेते हैं। मेडिसिन है, लेटस, अभी हमारे पास लेटस का वो आया नहीं। अर्थ स्किल फ्रूट, ओके इसका दिखेगा डैमेज कितना है यार, पता नहीं चल पाएगा ना यहाँ पे। और क्या है इसके पास, कुछ खास नहीं है गाइस, वही सारी चीजें जो वहां पे। सैंड टोर्नेडो स्टोन कैनन ठीक ठाक सी है, अभी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। वॉन्डरिंग मर्चेंट एक और है हमारे पास, इसके पास देखते हैं, इसके कपड़े अलग है, तो इसके पास देख रहा हूँ कि इसके पास हमको क्या मिलने वाला है। बाय करते हैं हम लोग। इसके पास हमको सॉफ्ट हैट स्कीमेटिक, सिल्क हैट स्कीमेटिक, व्हेन इट अनलॉक्स रेसिपी फॉर ग्रीनिंग टोकोटोको कैप कैन बी क्राफ्ट, उतनी कुछ खास नहीं है। यहाँ पर हमको ना एक, ये हमारे पास ऑलरेडी है, हम लोग अनलॉक कर सकते हैं। राइफल की एमो मिल रही है, यहाँ पे एक मल्टी क्लाइमेट अंडरशॉट मिल रही है 30,000 गोल्ड की, ये वही है जो हमको बॉस को मार के मिलती है, जो नया वाला बॉस आया। यहाँ पे क्या अपने पास, सर्फेंट टायर अपने को मिल रहा है यहाँ पे, बट अभी तो मैं ले भी नहीं सकता, 26,000 इसके लिए गोल्ड कॉइन लगने वाले हैं। तो यहाँ से तो गाइस मुझे लगता है कि हमको अपना निकलना ही चाहिए, है ना, हम लोगों ने एक्सप्लोर कर लिया जितना करना था। अब चल रहे हैं यहाँ से बाहर और थोड़ा और एक्सप्लोर करके आते हैं। ये बंदा PIDF बॉनफायर लवर है, बॉनफायर के पास में बैठा हुआ, इतनी गर्मी ऑलरेडी है ये बॉनफायर के पास में। एक बार बात कर, इससे बात करते ना करके ना कई बार कुछ चीजें मिल जाती है, एक बार देखता हूँ कुछ, कभी कभी सामान भी दे देते हैं। बेग्ड मशरूम दिए इसने मेरे को, कितने दिए, 3। ओके ठीक है कोई बात नहीं, 3 भी दे दिए तो काम आएंगे हमारे। अभी हम लोग चलते हैं, हाँ मैं आपको डबल जंप दिखाता हूँ इसका, ये देखो कितना सही है गाइस, हम लोग मतलब बहुत स्पीड से जा रहे हैं। ऐसी मेरे को फ्लाउंट वाला, फ्लाइंग वाला जो हम लोगों ने फ्लैरिस कैप्चर करी हुई है ना, आज हमको फ्लैरिस मिली है, वो भी हम लोग यूज करेंगे तो हमारे पास बहुत सही हो जाएगा, फ्लाई के लिए हो जाएगा वो हो जाएगा, और पानी में इतना ज्यादा जरूरत पड़ती नहीं है। ये क्या मेरे पास अटैक करेंगे? नहीं गाइस मैं अभी अटैक नहीं करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूं, मैं आज एक्सप्लोर करने आया हूं, नए पाल्स को कैप्चर करने आया, तो मैं यहां पे तो बिल्कुल भी इन लोगों से अटैक के मूड में नहीं हूँ। अगर ये लोग करेंगे तो फिर मजबूरी तो हो जाएगी, बट अभी मैं चाह नहीं रहा हूँ। इसने मेरे को किसी ने आग लगा दी गाइस, यार ये तो गलत बात है ना, हम लोग चुपचाप जा रहे थे, किसी ने आग क्यों लगा दी हमको? यार ये मेरे पीछे पीछे आ रहा है गाइस, हम लोग ना किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, एक बार देखता हूँ हम लोग इस डायरेक्शन में जा रहे हैं क्या, इस डायरेक्शन में हमको और कुछ मिलेगा नया पाल? अभी तक मुझे नया नहीं दिखा, कोई फायर टाइप में मिल जाए या फिर आगे कोई अच्छी लोकेशन मिल जाए जहाँ पे कुछ नए बॉसेस मिल जाए, ताकि मेरे को पता रहे कि यार हाँ यहाँ पर बॉस है, और अब जाके मैं अगले एपिसोड में इस बॉस को कैप्चर करूंगा, वो मेरे को देखना है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। यहाँ पे केव तो मेरे को दिख रही है गाइस, अभी हम इस केव में ना मार्क करके आ जाते हैं, सिंपली मार्क कर ले रहा हूँ, केव हम लोग कभी फिर एक्सप्लोर करेंगे, अभी केव में टाइम वेस्ट मेरे को नहीं करना है। टाइम वेस्ट पता क्यों होता है केव में, क्योंकि भटक जाते हैं रास्ता और बहुत अंदर हमको जाना पड़ता है, तब जाके वहां पर हमको ना वो मिलता है जो इनकी चेस्ट होती है लूट वाली, कहीं पर डबल चेस्ट होती है, ज्यादातर डबल चेस्ट ही होती है। तो ये एक केव है, कौन सा लेवल की केव है एक बार देखो जरा, मैं लेवल 38 की है, तो यहाँ पर जो बॉस होगा वो भी खतरनाक ही होगा गाइस। अब बॉस ना ऐसे मिलता भी नहीं है, तो अभी हम इसको फिलहाल के लिए मैं इसको मार्क कर रहा हूँ, और अब हम लोग यहाँ से ना चल ही रहे गाइस। मुझे लग रहा है कि हम लोगों ने ये वाला एरिया तो एक्सप्लोर कर लिया। ओ शिट 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 शिट, निकलो यहाँ से, निकलो गाइस, निकल लो। अभी वो जो गनर है उनके पास गनर भी नहीं यार, रॉकेट लॉन्चर डालेगा सिर्फ सीधे। ओके स्किल ट्री मिला हमको एक, तो फटाफट से ना इसको ले लेते हैं। एक तो अर्थ वाला मिला, और एक हमको शायद ग्रास वाला मिला, एक ग्राउंड टाइप मिला, ग्रास टाइप। यहाँ पर भी वही सारे लोग हैं, वो टावर सा कहाँ दिख रहा था गाइस। पालसोल मिला, मीडियम पालसोल होगा पक्का, स्मॉल पालसोल था। रेड चेस्ट मिली है, इसमें क्या मिलने वाला है? कॉपर की नहीं है अपने पास। ओके ये एक जगह है, यहाँ पर भी हम लोग जाके आते हैं, यहाँ पर ना सीक्रेट टाइप के बॉस होते हैं कई बार। ओ ये ब्लैक मार्केटर है क्या गाइस?
सिंडिकेट क्रशर, नहीं 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 मैं ट्रेड करने के चक्कर में जा रहा हूँ, पता चला वो गोलियां से भून देगा हमको। नहीं नहीं ऑल ओ फडलर मिला अपने को, एक फडलर मिला गाइस, फडलर फडलर लेवल, ये कौन लेवल 49 का फडलर, लेवल 49 का फडलर है वो। अबे मार उसको, मार मार, पीछे से कोई और आ रहा है क्या? नहीं नहीं नहीं, तीन दो आ चुके हैं दो। इसके लिए तो मेरे को पक्का घी का स्पेयर निकालना पड़ेगा। बॉस की तरह ही हो रहा है ये भी, एक फडलर इतना क्यूट सा मेरे को लगता था, और आज पता चला है। धो दे इनको, धो दे, हाँ अच्छे से धो दे, इसको भेज रहा हूँ मैं जरा वॉर्स एक्ट, जा कुछ कर यार, कुछ तगड़ा कर, मार पत्थर से, मार ईंटों से, ओ वो भी पत्थर मार रहा है, पत्थर का जवाब पत्थर से दे रहे ये लोग। जरा तू जा, पीछे से कोई आ रहा है क्या? ऐसा लगा कि अबे शिट 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 शिट, ये लोग कहाँ से आ गए बीच में, ये कहाँ से घुस गए? मैं वही सोचूं कि कुछ तो गलत हो रहा है यहाँ पे गाइस, एक सेकंड रुक जाओ, ये मार रहे हैं। शिट गाइस, यहाँ पे मेरे को लग रहा है कि सही शायद नहीं है, बहुत दिक्कत होने वाली है क्योंकि लोगों ने घेर लिया हम लोगों को। ये आपस में लड़ रहे हैं क्या? अबे तुम लोग आपस में लड़ो, लेकिन यहाँ पर हमारा गड़बड़ मत करो सब। ये बड़ा सा प्यारा सा फटर मेरे को, शिट इन लोगों ने तोप दाग दी हम लोगों पे। अबे यार, तो गाइस वापस से मैं यहाँ पर आ चुका हूँ, और मेरे को अब वो तो मिलेगा नहीं फटलर जो मेरे को मिलने वाला था, मतलब यार क्या लकी फटलर अपने को मिल जाता लेवल 45 वाला, बट यहाँ पे हम उससे तो निपट लेते हैं फटलर से। दिक्कत थी जो बाकी के लोग आए थे, वही फटाफट से चीज़ें चेंज कर लेता हूँ मैं यहाँ से, चलो चलो निकल रहे हैं गाइस, अभी यहाँ से निकल ही रहे। फटलर अब नहीं मिलेगा यार, वो जो गनर है ना उनसे निपटने का तरीका मुझे अभी तक पता नहीं, क्योंकि अभी हम लोग कोई भी अगर पाल भेजते ना, क्योंकि मशीन गन चला रहा है बंदा, यार गाइस उससे बच कैसे पाओगे आप ये सोचो। अबे यार ये फिर से अटैक करने लगे गाइस, खैर इतना दूर तो नहीं आएंगे। ये क्या है, बीकन 34 का, ओके हम लोग किस जगह पर आ चुके हैं अभी, इधर की तरफ का हम लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं। यहाँ पर बीकन बहुत सारे हैं यहाँ पर, बट उसके अलावा ये रेड चेस्ट तो शायद मैं ओपन कर भी नहीं पाऊंगा। मैं सोच रहा हूँ ना कि गाइस यहाँ पर हम लोगों ने, ये एक हिसाब से एंड आ चुका है इस जगह का, तो इसका मतलब ये है कि एक बार हम लोग यहाँ से नीचे चलते हैं और वो जो सामने जगह है ना वहाँ पर देख के आता है कि वहाँ पर कौन है, और अगर कोई है तो उससे निपट के आएंगे हम लोग, क्योंकि वहाँ पर ना खतरनाक चीज़ें मिलती है। और होगा पक्का, और नहीं इकट्ठा कर रहा हूँ मैं। बीकन बहुत सारे थे, बीकन ऑलरेडी अपने पास है और बाकी सारी चीज़ें भी अपने पास है, कुछ नया होता तो मैं पक्का कैप्चर करता। यहाँ पर आप, यार ये फिर से यही वही लोग हैं गाइस, हैंग यू दिख रहा है अपने को लेवल 33 का। यहाँ पर ये जो गनर है ना बंदा, यार इससे मतलब निपटने का क्या तरीका हो सकता है जब तक हमारे पास ऐसी मशीन गन ना आ जाए। वैसे मैं अभी यहाँ पर ना एक पाल लेके आ रखा हूँ, ये मोसांडा, अगर इनकेस कुछ दिक्कत होती तो मैं मोसांडा यूज़ कर सकता हूँ। ओ सर्फेंट टेरा दिख रहा है अपने को गाइस, सर्फेंट टेरा, तो हम लोग ना सर्फेंट टेरा को एक को बुलाते हैं किसी को थोड़ा दूर। सर्फेंट टेरा आ रहा है यार, वो लोग मेरे पीछे आ रहे हैं गाइस, इनको क्या दिक्कत है मुझसे? ये नहीं, इस जगह पर हर जगह, ये डेंजरस जगह है गाइस, हर जगह पे यहाँ पे ये लोग हैं। तो पालसोल, तो फिर तो मुझे लगता है कि हमको यहाँ से निकल ही जाना चाहिए, क्योंकि यार ये लोग एक बार, वो जो मशीन गन वाला बंदा है ना, दिक्कत उससे है क्योंकि वो मशीन गन मार रहा है तो फिर कुछ कर नहीं सकते, बचने का तरीका है ही नहीं, उसने चुटकी में मेरा मतलब पूरा ख़त्म कर दिया सब कुछ यार। एटलीस्ट अभी यहाँ पर ना अपने पास एक और फास्ट ट्रेवल पॉइंट अनलॉक हो चुका है, वहाँ पर एक कोई बॉस रहता है, मैं उस जगह पर अभी तक गया नहीं हूँ गाइस, तो वहाँ पर अपने को जाना चाहिए क्या, या फिर वहाँ जाना चाहिए? वो वैसे बहुत दूर है तो समझ नहीं आ रहा, मैं सोच रहा हूँ कि उधर एक बार एक्सप्लोर करके आते हैं जल्दी जल्दी, और उसके बाद देखते हैं वहाँ जाने का रास्ता, क्योंकि पानी से तो हम लोग जा ही सकते हैं ना उधर पे। एक और एग मिला अपने को, कौन सा एग है? इलेक्ट्रिक एग है, नॉर्मल सा एग है, कोई बड़ा एग नहीं है। टेम्परेचर बढ़ रहा है वैसे, अभी हम लोग पानी में हैं तो शायद मेरे को लग रहा है कि अब टेम्परेचर का इशू नहीं आना चाहिए यहाँ पर। एक तो ये ऑलरेडी खतरनाक जगह है, ठीक है, लास्ट वाले में हमको मिला था वहाँ पर एक ग्रिजबोल्ट मिला था, यहाँ पर भी हमको कोई बॉस मिला था, बाकी यहाँ पर और भी बॉस मिलने के बहुत चांस हैं, इसलिए मेरा यहाँ पर आने का बहुत मन कर रहा है। बट प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पर बॉस जो होगा हमको पता नहीं चलेगा, हमको बार बार ना गेम बंद करनी पड़ेगी और गेम उसके बाद अनलॉक करनी, ओपन करनी पड़ेगी बार बार। तो आ जा इधर, आ जा। अभी हम लोग यहाँ पर आ तो चुके हैं गाइस, क्रिमिनल एक्टिविटी अंडर वे हमको दिखा रहा है, बट इससे डरने की ज़रूरत है नहीं, है ना, ये लास्ट हमको पता चल चुका था कि क्यों है ऐसा। तो अभी हम लोग जाते हैं, यहाँ पर कोई नए पाल दिखेंगे, बट पहले गोल होने वाला है कि यहाँ पर बॉस कौन सा है। यहाँ पर मेरे को एक तो बूशी दिख रही है, अब बूशी के लिए मैं इतनी दूर तो आऊँगा नहीं,
बूची तो अपने पास ऑलरेडी है, मेरे को एक बार देखना है कि यहाँ पर कौन सा बॉस है गाइस। ओ ये कौन है? ओ नॉक्ट इंसिंड्रम नॉक्ट है हमारे पास, इंसिंड्रम नॉर्मल वाला है, इसका नाम भी कितना अजीब सा है। इलेक्ट्रिक करंट भेज रहा है। अपनी पावर प्योर वाली यूज करना है, डुप्लीकेट पावर मत यूज करना यहाँ पर। इसके सामने कहाँ टिकेगा? कुछ भी नहीं टिकेगा इसके सामने तो। कौन सा लेवल का था ये? कौन सा लेवल का? कहाँ धरती के अंदर छिप गया क्या? ये क्या दिक्कत है यार, अपनी किस्मत इतनी खराब क्यों रहती गाइस? ये नॉक्ट गया कहाँ पे? ये तो जमीन के अंदर धस गया गाइस यार। नहीं नहीं यहाँ पे है शायद ये। यार ये तो कुछ वॉइड सा लग रहा है। अलग ही प्राणी है यार, पता नहीं कहाँ घुस गया उसके अंदर में, कहीं फंस गया मुझे लग रहा है, कहीं फंस गया है। फेंगलोप दोबारा मेरे को दिख रहा है, फेंगलोप तो नहीं चाहिए था अपने को गाइस। ये कुछ न वहां से लड़ रहा है, मैं इसको कहां से मारूं गाइस? कहां दिख रहा है मेरे को? दिख भी रहा है मेरे को, ये नहीं दिख रहा ना, कैसे फाइट करूं मैं इससे? ये देखो इसके अंदर घुस चुका है, ऐसा कैसे पॉसिबल है कि इसके अंदर घुस गया? अब इसको या तो इसको लग रही होती, कहां है पत्थरों के बीच में यार, ये क्या अलग ही ड्रामे है अभी। चलो कोई बात नहीं, मैं गेम ऑन ऑफ कर रहा हूं जिससे कि कुछ बॉस आ जाएगा, उसके बाद देखते हैं कि कौन सा बॉस रहता है यहाँ पे। लाइलिन करके यहाँ पर कुछ नया आया हुआ है, इसको कैप्चर करते हैं। बॉस का तो कुछ अता पता चल नहीं रहा, और बॉस जो होगा अभी ना हमको नहीं पता चलेगा कि ये बॉस है। वो भी आ रखा है, ये भी आ रखा है, किस पर पहले फाइट करी जाए? ये कौन सा है? ये ग्राउंड टाइप है, तो ग्राउंड टाइप में आई थिंक मुझे लगता है कि यहाँ पर ये काफ़ी रहेगा। इसका डैमेज ज़्यादा नहीं है, बट दिक्कत तो ये है गाइस, दिक्कत यही है इसके डैमेज ज़्यादा नहीं है ना ग्राउंड टाइप पर हमारा ग्रास। अरे यार मैं इस बार वो उसको लेके नहीं आया, कोई नहीं ये काम करेगा, ये करेगा। इसका डैमेज बहुत खतरनाक है, 41 लेवल की है ये गाइस, 41 लेवल की है यार। यहाँ पर बूची वूची सबको पता चल चुका है कि हम लोग फाइट लड़ रहे हैं। शेट मेरी हेल्थ खत्म कर दी इसने एक बार में, मुझे लग रहा है यहाँ पर ना ये पक्का ये काम करेगा यहाँ पर। यार बूशी को भी मारना पड़ेगा, बूशी फायर टाइप है, उसको मार दे पहले, बूशी को निपटा ले, बूशी निपट जाए ना फिर हम लोग उससे लड़ते रहेंगे लाइलिन से। बूशी निपटने वाली है। ओ शिट यहाँ से कैसे आ गई तू एमजो? मेक जोकोव नहीं दिखता वैसे दिख रही है उनके कैरेक्टर्स। जरा मैं इसको कैप्चर करता हूँ, कहाँ हवा में डाल रही है वहाँ पे, कुछ तो आता पता तो जो है नहीं। अरे गायब हो चुकी गाइस ये क्या ड्रामा है? वो आपस में लड़ने लग गए, क्यों क्या दिक्कत है? अबे तुम लोग आपस में मत लड़ो यार, तुम ग्रुप बना के मुझे मर गई। अबे यार इसने मार दिया, आज हम लड़ते हैं अभी हम लड़ते हैं साथ में। बोन इन्वेंट्री फुल हो चुकी, बताओ मैं कैसे लूट करूंगा यहाँ पे, इतनी सारी इन्वेंट्री पहले ही फुल हो चुकी है। हम लोग ना गाइस नीचे चल रहे हैं, जिसको पता चलेगा देखा जाएगा ठीक है। हम लोग नीचे जाके ही फाइट कर सकते हैं वहाँ पे धूप में मस्त करके, यहाँ पे फाइट होगी नहीं ऐसे में, कैसे फाइट करेंगे हम लोग? कहाँ गई लाइलिन? आजा तेरे को मजा जगाते हैं हम लोग। 343 का डैमेज दिया उसको जॉर्मेंटाइड ने, देखो दोबारा ये इसका डैमेज। इससे आगे कुछ बच नहीं सकता, कोई बच नहीं सकता। मैं निकल रहा हूँ साइड में। ओ शिट ये कौन है गाइस? नहीं, कोई तो है गाइस, ये मेरे को पकड़ना पड़ेगा। मैंने क्या निकाल रहा हूँ, मैं हाइपर स्पेयर निकाल रहा हूँ ताकि मैं इसको जल्दी पकड़ पाऊँ ठीक है। मैं ज़्यादा वेट नहीं कर सकता, मैं खोना नहीं चाहता इन पाल्स को, ये बहुत रेयर पाल्स है जो मेरे को यहाँ पर मिल रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि मैं इनको पकड़ूँ। हाइपर स्पेयर डालो, कोई दिक्कत नहीं यार, खर्चा कर लेंगे हम लोग, मेरे को पकड़ना है इसको। जाने वाला है, मेरे को लग नहीं रहा। ओके हो गया। ये यार एक सेकेंड, स्प्रिंट इम्प्रायर कोई अलग ही मेरे को मिला जो आज तक नहीं मिला था मेरे को। दिक्कत तो गाइस ये है कि हमारे पास ना रिंग ऑफ मर्सी पहन रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने पहना है बट पहना नहीं था। अब मैं क्या, ये रिकवरी मैट्स वगैरह मिल रही है हमको, क्या मैं किसी पाल में डाल दूँ इसको? कोई इसमें डाल देता हूँ अभी, मेरे को जगह चाहिए खाली। एक कोई बॉस दिखाता हमको यहाँ पे, अब वो बॉस है या फिर नॉर्मल पाल है, क्योंकि यहाँ पे ना अलग अलग जगह के बॉस आए रहते हैं, तो वो मुझे देखना है। वो वहाँ कहीं पर दिख रहा था, आई होप कि वो यहीं पर हो, कहीं गया ना हो। एस्टेजॉन ओ ड्रैगन और डार्क टाइप है। ओके इसको पकड़ते हैं, वहाँ पर मुझे और भी दिख रहे हैं यार। ये जगह मस्त है गाइस, मस्त जगह, यहाँ पर बहुत खतरनाक पाल्स है। कहाँ चला गया तो इधर आ, ये खतरनाक लग रहा है मेरे को, ये कैप्चर करना है मुझे। अबे इधर आ, बताते हैं तेरे को हम कौन है, कहाँ गया, इधर आ। छिपके अटैक कर रहे हैं वहाँ से, हैं छिपके अटैक कर रहा है। एस्टेजन करके नाम है इसका यार। ये लक तो बहुत प्यारा ला, मतलब बहुत ज़बरदस्त लग रहा है, 43 लेवल का है, बट कोई बात नहीं, अभी हम लोगों ने बहुत 43-45 लेवल के पाल्स को मजा चखाया, तो ये कौन सी बड़ी चीज़ है, इसको भी मारेंगे। लेकिन ये छिप क्यों रहा है इतना, डरपोक क्यों है तो इतना है, आगे क्यों नहीं आ रहा? तो लड़ हमसे,
लड़के दिखा ना खुले मैदान में आके लड़ यार, वहां पे क्यों जा रहा है? इधर आ तू, ऐसे लड़ने का नहीं है यार, ऐसे मत लड़ो, इधर आ। इधर पर छिपा हुआ, स्टक हो गया क्या है? स्टक हो गया, मैं पता है यहाँ पर डॉज नहीं कर पाऊंगा, दिक्कत ही है, ऐसी जगह पे है ना, इतना चलाक है बंदा। आने दो इसको यहाँ पे, डार्क टाइप, ये खतरनाक वाला एक्चुअल डार्क टाइप ना यही लग रहा है, लेकिन धो दिया मेरे पाल ने उसको। हाँ, इस पर फ्लाई करके बैठ के मजा आएगा। लेदर बॉडी इसकी पूरी, मैं लास्ट में ना रिस्क बिल्कुल नहीं लेना चाहता, भले ही मेरे पास रिंग ऑफ मर्सी है, बट अगर मेरे पाल ने उसको आखिरी गोली मार दी तो फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा गाइस। वो कोशिश कर रहा है, उसकी कुछ शक्तियां बाहर ही नहीं निकल पा रही। हो जाएगा, अबे इसने मेरे को भी मार दिया, बट कोई बात नहीं, हो जाएगा हो जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आराम से होगा, कोई दिक्कत नहीं, आराम से होगा। इन केस अगर छूट गया, एक पहले मारूंगा फिर। फाइनली हम लोगों ने कैप्चर कर लिया यार, ये हमको कुछ लूट दे रहे हैं बट मेरे पास जगह ही नहीं है, दिक्कत ये है, मैं क्यों इतना सारा सामान ये ड्रॉप कर रहा हूँ, मैं क्या कचरा भरा हुआ है। तो हम लोगों ने एक और नया पाल कैप्चर कर लिया, अभी तक यहाँ पे इन लोगों को पता नहीं चला, मुझे ना यहाँ पे एक और कोई पाल दिख रहा था उस टाइम पे, बट अभी तो नहीं दिख रहा गाइस वो। यार मुझे लग रहा है कि मुझे पता ही नहीं चल पाएगा कि यहाँ पर बॉस कौन सा है, क्योंकि वो भी खतरनाक बॉस जैसा लग रहा था, वो तो अपने पास फेंगलूप है। नॉक्ट, आजा चल फाइट करते हैं, सो मत, आ भी रहा है, डरपोक है यार ये, बहुत ही डरपोक है, डार्क टाइप है, बट इसके पास फायर स्किल्स भी हैं, बट हम लोग नहीं छोड़ने वाले इसको। ओके, तो ये थोड़ा सा फास्ट तो है यार, ठंडा क्यों लग रहा है मेरे को वापस से? हीट रेसिस्टेंट पहन रखा है मैंने, क्या कोल्ड रेसिस्टेंट पहनूं क्या अभी? कोल्ड वाला कहाँ चला गया? फास्ट तो है गाइस ये, थोड़ा सा फास्ट तो है, मजा तो आ रहा है इससे फाइट करने में। वो नीचे से ऐसे ना, गया गया गया, मुझे लग रहा है कि गया काम से, मुझे मरना नहीं है गाइस, मैं मरना तो बिल्कुल भी नहीं चाहता, मेरे को हेल्थ अपने रिकवर करनी पड़ेगी, ये बंदा मेरे को छोड़ेगा नहीं मुझे ऐसा लग रहा है। हाँ टाइमिंग अपनी थोड़ी सी गलत हो रही है, थोड़ा तो स्ट्रांग है गाइस ये, हमको चाहिए, लेकिन स्ट्रांग पाल ही तो अपने को चाहिए ना, कमजोर नहीं चाहिए गाइस। मैं बचा लूंगा, मैं सर्वाइव कर लूंगा, मुझे ऐसा लग रहा है इतने हेल्थ में भी। वो पत्थर के अंदर घुस गया क्या वापस से? हैं, पत्थर के अंदर घुस गया ऐसा लग रहा है, मेरे को खुद को बचाना होगा, मेरी एचपी बहुत कम है गाइस। आ गया, बहुत तेजी से आ गया, ये चांटा सा मार रहा नीचे से निकाल के, कुछ ऐसा लग रहा पत्थर उठा के मार रहा है खतरनाक तरीके से। देख रहे हो, ये देखो, ये मेरे को मत मार रहा, मैं मेरी तो हेल्थ जाने वाली है वैसे भी। होगा कैप्चर, क्या लगता है गाइस आपको, पहली बार में हो जाएगा? नहीं, शिट 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 शिट, इससे बचना है। क्या होगा? मेरे को लग रहा है कि पाल निकालना पड़ेगा मेरे को, कोई पाल निकालना पड़ेगा, कोई पाल निकालना पड़ेगा डिस्ट्रैक्ट करने के लिए गाइस। अब तो हो जानी चाहिए गाइस, अब तो हो जानी चाहिए यार, हो जा प्लीज, हो जा। सारे हाइपर स्पेयर खा देगा क्या? गलत टाइमिंग पर वो मेरी तरफ देख रहा है। अब तो इतनी एचपी कम है गाइस, अब तो मुझे लग, हाय ओ शिट शिट, मेरे पास मर्सी, रिंग ऑफ मर्सी नहीं है, मैं भी इसको मार नहीं सकता, इससे ज्यादा एचपी कम हो जाएगी। बच गया बच गया मैं यार, ये बहुत खतरनाक है गाइस, क्यों है इतना खतरनाक ये? हो जा हो जा हो जा, अबे नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा यार, क्यों इतना मुश्किल हो रहा है इसको कैप्चर कर पाना? अबे हो जा यार, बहुत बहुत ड्रामे कर लिया तूने, अब हो जा, मैं इसको सोने के लिए जाने दूं क्या, तब कैप्चर कर लूंगा। अब हो जा, इससे ज्यादा मारूंगा तो मर जाएगा, मैं कैप्चर करना चाह रहा हूँ। अबे यार अलग ही ड्रामे इसके यार, इसने मेरे को आग लगा दी, मैं भी जाने वाला हूँ गाइस। अबे हो जा यार, क्यों नहीं हो पा रहा है? हाँ कितना मुश्किल है यार, पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई पाल को पकड़ने में इतना टाइम लगता है। शिट यार, इससे अच्छा मार ही देता मैं उसको, शायद सुबह हो गई मुझे लग रहा है। तो बेसिकली गाइज अपने को हाइपर स्पेयर चाहिए थोड़े ज्यादा, उसी से हो पाएगा। अल्ट्रा स्पेयर, एक सेकंड देखता हूँ, अल्ट्रा स्पेयर हम लोगों ने अनलॉक कर लिया क्या? अल्ट्रा स्पेयर, हाँ अल्ट्रा स्पेयर बना सकते हैं। ओके अल्ट्रा स्पेयर अगर इसमें बनते हैं तो मैं बनाऊंगा इससे, बट हो सकता है कि इसमें ना बने हाइपर स्पेयर। मुझे लग रहा है कि अल्ट्रा स्पेयर बना निकले ना गाइस। देखो यहाँ पे एक नई और हमारे पास है स्पेयर असेंबली लाइन, तो वो मेरे को लग रहा है कि बनाने पड़ेगा ये वाला। अब इसको बनाने के लिए क्या चाहिए हमको, एक बार देख लेता हूँ। सर्किट बोर्ड, रिफाइंड इनगेट, अब जाके काम आ रहा है रिफाइंड इनगेट का, पर यहाँ से ये सब तो रख लेता हूँ पहले। तो गाइस मैं यहाँ से हाइपर स्पेयर लेके जाके ट्राई करने वाला हूँ दोबारा से, कोई है बनाने को आने वाला? एनुबिस, अबे ये बना रहा है क्या? एनुबिस नहीं है क्या? एनुबिस को बुलाओ यार, एनुबिस को बुलाता हूँ मैं।
हाँ तो यहाँ पर मैं आ चुका हूँ और यहाँ से मैं लेने वाला हूँ लेदर, उसके बाद हम लोग नया आर्मर बना के जाएंगे। वैसे जाना पॉसिबल है ही नहीं वहाँ पे। चलो चलो जल्दी से मेरे को दे दो तुम लेदर। आई होप कि इसके पास बंदे के पास लेदर है, तो लेदर है इसके पास काफ़ी सारा। और लेदर मैं थोड़ा ना मैक्स ही ले ले रहा हूँ, लेदर काम ही आएगा। चलिए अभी चलते हैं फटाफट से वापस नया आर्मर बना के, मैं सीधे आपको वहीं पर मिलता हूँ क्योंकि जाने में टाइम बहुत लग रहा है और इस बार कोई दिक्कत नहीं होगी, हम लोग आराम से पहुँच जाएंगे। अब अगर वहाँ पर कोई नया बॉस दिख गया, मुझे पता नहीं कि उस लोकेशन पर रहता कौन है, अगर कोई नया बॉस दिख गया तो अच्छी बात है, वरना हम लोगों ने, हाँ मैं आपको दिखाता हूँ गाइस हम लोगों ने क्या कैप्चर करा था वहाँ से। हम लोगों ने वहाँ से कैप्चर करा गाइस ये देखो आप, ये देखो आप इसके स्टैट्स एक बार देखो मैं जरा कि क्या है। यहाँ पर चलते हैं। वैनगार्ड 10% इंक्रीज टू प्लेयर अटैक, हार्ड स्किन डिफेंस भी देगा हमको, और सैनिटी ड्रॉप्स 15% फास्टर। यार ये थोड़ा ड्रॉबैक नेगेटिव पॉइंट है। माइनिंग लेवल 4। अबे तू जा माइन कर, तू क्यों आया यहाँ पे, माइन कर। इधर आ, कहाँ चला गया। ये लक कितना ज़बरदस्त रहा है गाइस, एक बार मैं इसको माइनिंग पे भेजता हूँ। तू माइन कर यहाँ पे, ये देखो गाइस, ये देखो कितना सही लग रहा है। यार वर्थ था वहाँ पर जाना, मैं मरा भली लेकिन मज़ा आया। तो गाइस हम लोग फाइनली यहाँ पर पहुँच चुके हैं। थोड़ा इंटरनेट पर देखने में पता चला कि ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 3 है ना, यहाँ पर हमको ऑर्जर्क मिलेगा जो कि एक ड्रैगन टाइप पाल है, और मेरे को दिख भी चुका है ड्रैगन और इलेक्ट्रिक टाइप। लेकिन उससे पहले ना गाइस मेरे को, यार आज तो क्या ओपी पाल्स हमको मिलेगा गाइस। यहाँ पे हम लोगों ने एक ओपी कर लिया कैप्चर, जो कि वो अभी दिखाया मैंने, वो भी बहुत ही ज़बरदस्त है। अभी इसको कैप्चर करते हैं, बट उससे पहले थोड़ा ना तैयारी कर लेते हैं। ठीक है, वो है, क्या कूल लग रहा है। लेवल 40 का है, इजी होगा, ज़्यादा मुश्किल होने वाला है नहीं। देखना होगा कि कितना पावरफुल है। अब देखो यहाँ पे मेरा वाटर वाला तो काम नहीं आएगा, यहाँ पे ग्राउंड वाला काम आएगा क्योंकि और सक, ये क्या है अभी, अच्छा फ्लावर है। पहले मैं मोसांडा को भेज रहा हूँ, मोसांडा उतना कुछ खतरनाक तो नहीं है, बट मोसांडा को भेज रहा हूँ पहले। आ जाओ, मैंने उसको इससे ना पता है उसको डैमेज ज्यादा मिलेगा। देखो डैमेज कितना गंदा मिल रहा है उसको, यही चाहिए भी था। ड्रैगन ब्रेथ डाल रहा है, ड्रैगन ब्रेथ। अरे यार गाइस ये क्या हुआ, एक बार में मार दिया इसने। मैं चाहता हूँ इसको पॉइजन मिले बहुत ज्यादा वाला। मैं ना यार एक सेकेंड, मैं बहुत गलती कर रहा हूँ कि मैं दब रहा हूँ वहाँ पे। मेरे को ऐसे पत्थरों के बीच में दबना नहीं है, मेरे को जगह चाहिए बचने के लिए। यार वहाँ से बूशी भी आ चुकी गाइस। ओके, मेरे को लग रहा है कि इसको भेजने की जरूरत है गाइस। ये उतना इफेक्टिव नहीं होगा बट यार ये काम करेगा यहाँ पे, ये अच्छा काम कर सकता है गाइस। कहाँ चलेगी बूशी, तो बीच में मत आना, हमारे बीच में मत आना, हमको लड़ने दे। कहाँ चला गया वो गाइस, ये है कहाँ पे, मेरे को दिख नहीं रहा वो। अबे यार ये फिर दिक्कत हो गई, यहाँ पर क्या बग है गेम में बग है, ये इनकी पावर है कि ये धरती के नीचे चले जा रहे हैं। ओ शिट, वहाँ पर कौन है, ब्लेज मट करके कुछ तो है वहाँ पे। यार ये बहुत ही ओपी पाल्स कैप्चर करे मैंने आज, इनमें से इसी एक को कैप्चर करूँगा मैं, ज़्यादा तो शायद कर नहीं पाऊँगा। बट यार वो और जर कहाँ चला गया गाइस, यहाँ पे देखो गायब हो चुका है यहाँ से वो। यार ये तो अपनी खराब किस्मत है कि यहाँ से ये लोग गायब हो जा रहे हैं। वो करंट डाल रहा है हमको, वो हमको करंट डाल रहा है लेकिन दिख नहीं रहा। बताओ ये कैसी अजीब सी चीज़ है, करंट डाल रहा है और मेरे को दिख नहीं रहा हो, और जर इसके नीचे कहाँ है। अब यार ये मेरे साथ ऐसी चीज़ें क्यों हो जाती है। मैं एक काम करने वाला हूँ, मैं इसको बंद कर रहा हूँ अभी, अनफॉर्चुनेट है बहुत ये लेकिन करना पड़ेगा मेरे को। गेम ओपन हो चुकी है, अब मुझे देखना है कि यहाँ पर अपने को क्या मिल रहा है, कौन दिख रहा है। यार यहाँ पर ये लोग आज अवे, लो गए गाइस, हम लोग गए। अब यहाँ से निकल रहे हैं गाइस, अब नहीं है यहाँ पर रुक के ज़्यादा फायदा है ही नहीं, अभी हम लोग गए काम से, ये हमको पानी में भी छोड़ेंगे नहीं ना। अब यार अपनी किस्मत बहुत ख़राब रही है, अभी हम लोग कोई दूसरी लोकेशन ढूंढते हैं। अच्छा फास्ट ट्रेवल पॉइंट है ना, हम लोग सीधा अपने बेस पर चल रहे हैं क्योंकि वहीं पर हम लोग इन लोगों को मजा चखा सकते हैं, वहीं पर हम लोग इनसे बच सकते हैं, वरना एक बार मरना ही पड़ता है तब जाके इनका वो गायब होता है। यहाँ से आ रहे होंगे पक्का अपने पास आ रहे हैं, देखो यहीं पर पानी में है। बताओ ये लोग पानी में मेरे पीछे करते हुए आ रहे हैं। अलर्ट गाइस, तो ये लोग मेरे पीछे तो आ रहे हैं, अभी ना मैं इनको लेके जाने वाला हूँ एक जगह पे, यहाँ पे आ जाओ मैं इनकी फाइट कराने वाला हूँ अभी। या तो ये मेरे पे बैक फायर करेगी या फिर हम इसमें सक्सेस रहेंगे। इन सब की मैं आपस में फाइट कराने वाला हूँ, PIDF ऑफिसर्स की। आ जाओ तुम लोग, आ जाओ इधर आ जाओ, इधर इस साइड को गोलियाँ मारो जरा, हाँ इस साइड को मारना गोलियाँ। ये लो करा दी, जो मेरे को करना था वो मैंने करा दिया गाइस। PIDF इन्फेंट्री हेल्थ देखो उसकी। अभी तुम लोग मत आओ अभी यहाँ पर खतरनाक वाली फाइट चल रही है। ओ शिट,
मैं निकल रहा हूँ गाइस यहाँ से। ये करंट मार रहे हैं मेरे को, बताओ इनकी अलग अपनी चल रही है। ये बड़ा सही प्लान था मेरा, एग्जीक्यूट कर लिया हम लोगों ने। अभी भी वो लोग कौन जीते, PIDF तो चले गए मुझे लग रहा है। कोई है क्या PIDF? मुझे नहीं लग रहा कि कोई बचा होगा, क्योंकि अभी भी आपस में लड़ रहे हैं ये लोग। ओ गोलियां वगैरह चला रहे, बच रहा है एक बंदा तो बच रखा है अभी भी गाइस। सबको मार के जाऊंगा मैं यहाँ से। ये देखो ये देखो देखो यार, ये बीकन मेरे पीछे क्यों आ रहा है? PIDF इन्फेंट्री ये आ रहे गाइस। मैं इनको ना इस साइड को लेके जाने वाला हूँ। ये लड़ नहीं रहे क्या आपस में? हैं आपस में लड़ नहीं रहे? इधर पर लेके जाऊँ क्या गाइस, इस जगह पे? हैं इस जगह पर भी दिक्कत होने वाली है गाइस। मैं इस जगह पर लेके जा रहा हूँ, ठीक है देखते हैं कि क्या होने वाला है। हम लोग इधर से निकलते हैं, वो वहाँ चला गया। सब लोग ग्रेनेड से मारो 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 मारो, बेहतरीन हो रहा है यहाँ पर सही तरीके से। यार ये मेरे पीछे क्यों पड़ गए ये लोग? अब गाइस अपने को ये मिल गया, क्या इसको कैप्चर करना चाहिए? सरफेंट टेरा, यार मैं कैप्चर कर तो लूँ लेकिन मेरे को गोलियाँ बरसा रहे हैं ये लोग। सरफेंट टेरा को हम लोग कैप्चर कर सकते हैं क्या गाइस? सरफेंट टेरा को मारने वाला हूँ मैं। वो लोग मार रहे हैं क्या? लग रही इसको गोली बीच में, जैसे बीच में है ना, इसको लग रही क्या गोली? मेरे को लग रहा है गाइस इसके लिए निकालना पड़ेगा हाइपर स्पेयर। हो जा कैप्चर यार, सफल हो जाएगा हमारा यहाँ पर आना। हो जा यार, क्यों नहीं हो पा रहा कैप्चर तू? यहां से ये लोग मेरे पीछे पड़े हुए। हो जा हो जा, अभी हो नहीं रहा। यस हो गया हो गया हो गया हो गया। यहां पर देखो इनका क्या चल रहा है, इससे पहले कि ये लोग मेरे को मारे ना, हम लोग निकल रहे हैं यहां से गाइस। मैं पहले यहाँ पर जा रहा हूँ फट से, ठीक है, और उसके बाद हम लोग यहाँ से अपने बेस पर चल रहे हैं क्योंकि वही एक सेफ लोकेशन है अभी के हिसाब से। ही देखो यहाँ पर, देखो आप देखो क्या चल रहा है, ये देखो हम लोग चल रहे हैं सीधा अपने बेस पर। अब यहाँ पर आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, आ जाओ। हम लोग निकालते हैं मेमोरी, इसको निकालते हैं, बाकी यहाँ पर सारे पाल्स अपने हैं, कोई नहीं छोड़ने वाला इनको, आने दो इनको। पर जरा यहाँ पे हाई क्वालिटी पाल ऑयल है अपने पास, सर्किट बोर्ड हमारे पास, लार्ज वाला स्टोरेज भी आ चुका है। एक बार देखो जरा इसको बिल्ड करने के लिए कैसा चाहिए, लार्ज कंटेनर। अरे वाह, हम लोग इसको बना सकते हैं गाइस। इसको कहाँ पर बनाया जाए? अब सवाल तो ये है कि इसको बनाया कहाँ पर जाए, जहाँ से ना लोकेशन एकदम परफेक्ट हो। ये जगह पर बनाऊँ क्या? बेहतरीन, आ जाओ सब लोग आ जाओ। हाँ तो ये कंटेनर बना रहे हैं हम लोग पूरा का पूरा, इसमें काफ़ी कुछ सामान आएगा। अब मेरे को जगह जगह चेस्ट बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखता हूँ कि कितनी इसकी स्टोरेज कैपेसिटी है एक बार, वो मेरे को चेक करनी गाइस फटाफट से। बनने वाला है बस थोड़ा सा। और अपने पास खाना वाना सब है क्या? अपने पास खाना वाना तो है, फूड बॉक्स में भी रखा हुआ है, और सब कुछ तो है अपने पास। अभी हम लोग ना थोड़ी सी कुछ और नई लोकेशंस को देख के आएंगे। एक ये भी है अपने पास, 120 का इलेक्ट्रिक। यार ये तो मैं किसी को सिखाऊंगा पक्का। मेरे को लग रहा है कि मेरे को ये मोसांडा को सिखाना चाहिए। अपने पास इलेक्ट्रिक पाल में कौन सा है अभी? हाँ किसी को तो सिखाऊंगा मैं। पहले ये देखो गाइस क्या सही लग रहा है, पाल पाल वर्ल्ड एक्सप्रेस। यहाँ पर काफी जगह है हमारे पास, मेरे पास दो ही रेसिस्टेंट है, एक ही लेके जा रहा हूँ अभी मैं, और ये किसी को मैं सिखा के जाऊंगा। अभी चल रहे हैं हम लोग, बाकी तो काम की चीजें ही है, बट मैं एक बार ना इलेक्ट्रिक वाला मैं किसी को सिखाता हूँ। आप लोग मेरे को कमेंट करके बताओ गाइस कि मेरे को इलेक्ट्रिक किसको सिखाना चाहिए। 120 का पावर है इसका, कूल डाउन 40 का है, तो आप लोग मेरे को बताना, मैं तब इसको कंज्यूम करूंगा। अभी मैं इसको कंज्यूम नहीं कर रहा हूँ, और अभी हमारे पास मेगा स्पेयर, गीगा स्पेयर, नॉर्मल वाले स्पेयर थोड़े ले लूँ यहाँ से, फिर हम लोग चल रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे दो और एग हो चुके हैं गाइस, इनमें से किसी में मेरे को स्विफ्ट या रनर मिल जाता जो कि उनके पेरेंट्स के पास वो एबिलिटी है। क्या अपने बच्चों को देंगे? मिलेगी उनके बच्चों को। मैं फायर इस बार तो मैं सुजाकू को लेके जाने वाला हूँ, क्योंकि अभी हम लोग, मेरे को पता है कि हम लोग रैंडम नॉर्मल से जगह में जाने वाले हैं, जहाँ पर क्या होगा नहीं पता, तो सुजाकू वहाँ के लिए काम आएगा। लाइलिन भी हम लोग लेके चलते हैं, ग्रास टाइप है इस बार, इसकी जगह इसको लेके चलूं। सरफेंट टेरा अपने पास आ चुका है गाइस, सरफेंट टेरा लेके चल रहे हैं, ग्राउंड टाइप ग्रास टाइप, और अपने पास ये हो गया, और ये तो खैर अपने काम आएगा, दोनों काम आएगा। चलो ठीक है, अभी हम लोग चल रहे हैं किसी और लोकेशन में। अब किस जगह को चला जाए, किस जगह को एक्सप्लोर करा जाए गाइस? यहाँ पे इस साइड को जाया जाए क्या? यहाँ को इस तरफ को हम लोग चलते हैं और थोड़ा और एक्सप्लोर करते हैं। अभी मुझे कोई खतरनाक बॉस को कैप्चर करने की जरूरत तो नहीं है, अभी हम लोग नॉर्मल पाल्स को कैप्चर करेंगे अगर दिखता है तो। हम लोग इस जगह को आ चुके हैं, हमको यहाँ पे इस साइड को जाना है। ये बहुत सही है यार, बहुत ही बेहतरीन है। मैं यहाँ पे, मेरे को एक और केव दिख रही है, मैं इसको मार्क कर लूँ जरा फट से। हाँ तो इस जगह में मैं अभी तक नहीं आ रखा हूँ। यहाँ पे एक फास्ट ट्रेवल पॉइंट मेरे को दिख रहा है, यहाँ पे मेरे को गेल क्लॉ दिख रहा है, बट मेरे को गेल क्लॉ से मतलब नहीं है। यहाँ पर अपने को ये भी दिख रहा है एयरसॉक्स, ये भी नहीं चाहिए। पहले तो एक फास्ट ट्रेवल पॉइंट है, वो अनलॉक करके मैं आ रहा हूँ गाइस। वो देखते हैं कि किधर पे है, वो यहाँ पे है। वो रेड रेड सी जगह में घूम घूम के ना मेरा दिमाग खराब हो गया, मेरा मन कर रहा है ऐसी जगह पर जाओ जो थोड़ा नॉर्मल सी जगह हो। अभी मैं सोच रहा हूँ कि उस जगह पर जाया जाए, वहाँ पर अभी हम लोग नहीं गए हैं।
तो चलते हैं वहाँ पर गाइस। तो यहाँ पर गाइस ये बॉस है नाइटविंग लेवल 18 का, ये यहाँ का ना बॉस है। और मैं जा रहा था चुपचाप, मेरे को कोई मन नहीं था इससे फाइट करने का, इसने हमसे फाइट करने की ज़रूरत कर ली। अब इसको छोड़ेंगे ना हम लोग, आ जाओ। मैं इस बार कोई अपना नया सर्फ एंड टेरा ये कौन सा टाइप है? अरे ये तो न्यूट्रल टाइप है, बेकार सा। ओ शिट, बस 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 किल ही हो गया वो। क्यों किल हो गया? मेरे को लग रहा है कि पॉइजन से मर गया वो। हाँ तो ये चीज़ भी सीख ली कि पॉइजन वाला ना हर जगह यूज़ नहीं करना चाहिए। खैर इसको कैप्चर कर भी लेते तो कोई बड़ी बात नहीं थी, ऑलरेडी हमारे पास ये है, उतना कुछ काम का नहीं है तो इसको छोड़ ही दे अभी हम लोग। यहाँ पर मुझे ग्रीन चेस्ट दिख रही है, ग्रीन तो नहीं है पर्पल चेस्ट है। यहाँ पर मेरे को वापस से कुछ और लोग दिख रहे हैं। यहाँ पर हमको डायनासोर दिख रहा है जो कि ड्रैगन टाइप और ग्रास टाइप था शायद। अभी ये कौन है? रिबन ही तो है अपने पास। अभी टेम्परेचर यहाँ पर एकदम सेंटर से थोड़ा सा राइट साइड में बढ़ा हुआ है, तो मतलब हल्की फुल्की यहाँ पर गर्मी है, ज़्यादा नहीं। यार मैं उठा क्यों नहीं पाता हूँ? क्या मिला इसमें पता नहीं, बट हमको कुछ तो एग मिला। अब मैं बस थोड़ा देख रहा हूँ माउंट ऑब्सीडियन। यार यहाँ पर गर्मी होगी कि ओ शिट, यहाँ पर ना हीट बहुत ज़्यादा हो रही है गाइस। मुझे लग नहीं रहा कि हम लोग यहाँ पर सर्वाइव कर पाएंगे। जैसे ही एचपी कम होना स्टार्ट होगी मैं निकल लूंगा। अभी तो भूख लग रही है, मेरे को खाना खा लूँ जरा। मैं खाना कहाँ चला गया मेरा? ओ लाइफ पेंडेंट, एक सेकंड, एन एक्सेसरी दैट स्लाइटली रेजेज हेल्थ। अरे वाह, इसकी जगह अभी हम लोग ये पहन सकते हैं। यहाँ पर ना टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है गाइस। मैं जा तो रहा हूँ लेकिन मेरा पूरा ध्यान टेम्परेचर पूरा डाउन हो चुका है। अभी हम लोगों ने दोनों चीज़ें पहनी हुई है, हीट रेसिस्टेंट आर्मर यानी कि जो अपना आर्मर है और उसके साथ में थर्मल, तो शायद हम बच सकते हैं यहाँ पे। यहाँ पे कौन दिख रहा है अपने को? यहाँ पे भी वही बंदा दिख रहा है। हर जगह दिख रहा है मेरे को ये। अभी ये तो ऐसा लग रहा है कि हम लोग ना किसी ऐसी जगह पर आ चुके हैं जहाँ पे ये देखो ये क्या क्या बना हुआ है। यहाँ पे पूरा ना वो दिख रहा है यहाँ पे मेरे को, कासल टाइप का। मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा मैं ऐसे टाइम पास करूँ, सुबह हो जाए, उसके बाद हम लोग एरिया देख लेंगे और तब हम लोग अगर किसी से फाइट करना चाहें तो तब करेंगे। तब तक के लिए हम लोग बस ना कहीं पर वेट करते हैं और कुछ नहीं, बल्कि एक काम करते हैं गाइस। हम लोग एक काम करते हैं गाइस अभी हम लोग ना सीधे अपने बेस में चल रहे हैं। कल सुबह आके यहाँ पे एक किसी को कैप्चर करके लेके जाते हैं। कुछ एग अपने पास यहाँ पर हो रखे हैं लेकिन इनको निकाल दूँ क्या? निकाल के आता हूँ एक बार, पहले ये लगाता हूँ, इनको निकालते हैं, देखते हैं कि इनमें से क्या मिलने वाला है। हमको मिला फेंगलोप, एक और मिला स्विफ्ट। नहीं, हमको जो चाहिए था वो मिल चुका गाइस। यहाँ पर देखो आप, शर्ट, ये तो एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हमको मिल जाएगा। अरे वाह यार, ओके। इसको हम लोग इधर पे लेके आते हैं। जो अभी हमारे पास था उसके पास कोई भी पैसिव स्किल नहीं थी, इसके पास अभी गाइस है स्विफ्ट। एक बार मैं दिखाता हूँ यहाँ पे, तो इसके पास है स्विफ्ट यानी कि 30% इंक्रीज टू मूवमेंट स्पीड और रनर 20% इंक्रीज टू मूवमेंट स्पीड, यानी कि 50% हमारी स्पीड बढ़ चुकी है। कुछ और है मेरे पास, एक बार उनको भी निकाल के देखता हूँ। जो ब्रीडिंग से हम लोग करना चाह रहे थे वो हमारा हो चुका है। एक बार फट से ये भी देख के आ रहा हूँ कि इसमें क्या होने वाला है। एक और मिला, इसके पास कुछ ऐसी खास नहीं है। ओके कोई बात नहीं, हम लोग और ब्रीड कराएंगे और हमको कुछ और मिलेगा पक्का। इससे क्या मिला हमको? स्पार्केट मिला हमको। ओके इंक्यूबेशन कंप्लीट, जोल थॉक। चलो ठीक है गाइज, अभी हम लोग चल रहे हैं वापस और अब हम चल रहे हैं वहीं पर उस जगह पर जहाँ पर एक्सप्लोर करना रह गया था थोड़ा सा। आई थिंक ये वो जगह थी। यहाँ पर चलते हैं, उस बॉस को देख के आता है कि वो बॉस कौन सा है। अभी मारेंगे नहीं, अभी बस थोड़ा एक्सप्लोर कर रहे हैं हम लोग, बाकी फिर देखते रहेंगे। जगह मुझे बहुत सही लग रही है ना गाइस, देखो देखो कितनी सही जगह लग रही है। तो ये कासल है पूरा एक प्रॉपर, है ना। यहाँ पे एक एग भी मिल रहा है मेरे को, एक एग ऊपर भी दिख रहा है। अभी बस थोड़ा देख के आता है कि यहाँ पे कौन कौन से बॉस है, उसके हिसाब से हम लोग फिर धीरे धीरे प्लानिंग करके फिर जाके हम लोग यहाँ पे फाइट करेंगे। अगर हम लोग आगे जाएं तो ओह ये अंडा कहाँ अलग ही दुनिया में रखा पड़ा है, क्या इतना स्पेशल अंडा हो गए? बिल्कुल टावर के टॉप में रखा हुआ है यार, बहुत सीक्रेट लोकेशन पर। बट हम लोग ना हर जगह पहुंच जाते हैं। लार्ज स्कॉचिंग एग मिला गाइस, इसमें पक्का कोई तगड़ा वाला पाल हमको मिलने वाला है। ओ यहाँ पे ये क्या है गाइस, ये क्या है? अभी ये तो कुछ अलग ही लग रहा है। रेप्टाइरो 37 लेवल का, फायर टाइप और ग्राउंड टाइप। अच्छा इससे निकलते हैं गाइस। क्या मैं इससे फाइट कर सकता हूँ? आप लोग जल्दी से कमेंट करो, आप लोग सब्सक्राइब करोगे ना मैं इससे फाइट करके जीत भी सकता हूँ। क्या खतरनाक लग रहा है गाइस ये। आज तो मैंने जितने ओपी पाल कैप्चर करे ना गाइस पहले कभी नहीं करे ऐसा लग रहा है मेरे को। जा ये और उसके बाद लाइलिन, ये दोनों काम करेंगे यहाँ पे। ये कौन है? ओ शिट 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 यार ये क्यों आते हैं मेरे पास हर टाइम, कि हर जगह मेरी लड़ाई खराब करते हैं गाइस। शिट यार मेरे को यहाँ से निकलना पड़ेगा गाइस। अबे इसने मार डाला मेरे को पूरा पीछे। इन विजिटर हैज लेफ्ट द बेस। यार ये लोग क्यों आ जाते हैं? लाइलिन को मार दिया उन लोगों ने।
आग डाल रहे शिट शिट गाइस, यार मेरे को लग रहा है गलती पंगा लिया क्या यहाँ पे। अबे यार ये लोग आ गए, लेकिन उसने मार दिया सबको। पॉइजन डाल रहा हूँ सब में मैं, हम लोगों ने सबको मार दिया गाइस यहाँ पे। वो तो खुद लड़ रहा है उनसे, वो उस मुझे उसकी सिक्योरिटी लगा, लेकिन सिक्योरिटी नहीं है, वो तो खुद ही लड़ रहा है उससे। यार थोड़ा मैदान पर आना, इधर पर आ लड़ने के लिए। पत्थर फेंक के मार रहा है, क्ले वाला पत्थर, इससे कुछ नहीं लगने वाली। अजय इधर आ, थोड़ा अपने बेस से बाहर नहीं निकलेगा मुझे लग रहा है। 92 का डैमेज दे रहा हूँ। ओ शिट, अबे यार ये कौन है, इतना कमजोर सा क्यों, इतना खतरनाक क्यों दिख रहा था फिर हमको, सेकंड नहीं लगे इसको मारने में। अब मैं यार बहुत उम्मीदें लगा के आया था कि मैं इसको कैप्चर करके लेके जाऊंगा, तूने बहुत दिमाग खराब करा हमारा। आ तो हमारे पास आ गया हम लोगों ने इसको कैप्चर कर लिया। यार किस्मत अपनी खराब है, वो मर गया। मुझे जो बॉस को देख के लगता है कि यार ये तगड़ा है, इसको आज मैं कैप्चर करता हूँ, वो पता नहीं मर क्यों जाता है, मुझे समझ नहीं आ रहा। ये खैर बॉस तो नहीं था ना गाइस, यहाँ पर अपने को और मिलेगा। अब अगर मिला ना तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कैप्चर करने की इसको। यहाँ पर मुझे एग वैग दिख रहे हैं कुछ। ओ ये कौन है अभी, पायरिन, ओके ओ इसको कैप्चर करते हैं गाइस हम लोग। एक को ही लेके जा रहा हूँ मैं, दो एक साथ लड़ेंगे तो दिक्कत होगी ना। ओ शिट दो एक साथ लड़ रहे हैं ये तो। आग लगा दी इन लोगों ने यार, मेरी हेल्थ जाएगी क्या यहाँ पे स्पीड से। एक को मार दे, एक को मैं कैप्चर करूँगा। हो जाए यार कैप्चर, हो जाए। ये दिखने का बहुत खूबसूरत सा दिख रहा है, मेरे को कैप्चर करना है। हुआ क्या कैप्चर, नहीं हुआ। हाइपर डालूँ क्या गाइस, हाइपर डालूँ, हाइपर से भी हो जाने चाहिए, गीगा से भी हो जाने चाहिए वैसे दोनों एक साथ हो गए बताओ। पहले एक नहीं हो दे रहा था, उसके बाद दोनों ने हामी भर दी कि नहीं मैं भी होऊंगा कैप्चर, मुझे भी तुम जैसा मालिक चाहिए। तो इतना ऊपर आके अपने को एटलीस्ट एक गोल्डन चेस्ट तो मिली, बाकी मुझे नहीं लग रहा कि यहाँ पर कुछ होने वाला है। हमको यहाँ से शायद निकल जाना चाहिए गाइस। ट्रेनिंग मैनुअल लेवल XL मिला हमको, पता नहीं क्या मतलब है इसका, एक बार देख लेंगे ट्रेनिंग करा के। गोल्ड कॉइन मिले 121। एक बार बस मैं सोच रहा हूँ कि ऊपर तक हम लोग चले ही जाते हैं, वैसे हीट का दिक्कत नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या पता कोई फास्ट ट्रेवल पॉइंट हो यार यहाँ पर, कोई टावर और कुछ तो हो, कुछ नहीं है यहाँ पर गाइज। इतना एक्सप्लोर कर लिया हम लोगों ने आज, अभी हम लोग चल रहे हैं गाइज, अभी कुछ नहीं कर सकते, इन्वेंट्री फुल हो गई है। और बॉस वॉस यहाँ कहीं ना कहीं तो है, एक बॉस यहाँ कहीं पर एक बॉस रहता होगा, अभी नहीं दिख रहा मुझे। रात का टाइम भी हो चुका है, इतना ऊपर जाके भी हमको कुछ खास यहाँ पर मिला नहीं। अगर हम लोग यहाँ से उस साइड को निकल रहे हैं तो मुझे लग रहा है पानी पानी होगा, वापस मेरे को इतना लंबा आना पड़ेगा, तो हम लोग ना डायरेक्टली चलते हैं यहाँ से। तो अभी यहाँ पे एक और एग दिख रहा है, बट मेरे पास ना जगह बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे एक और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, शायद ये थर्ड फोर्थ नंबर की हो सकती है। यहाँ पर मैं बस थोड़ा सा इसको एक्सप्लोर करना चाह रहा हूँ ताकि हमको पता चल जाए कि यहाँ पर कुछ था। ब्लेज हाउल नॉक्ट दिख रहा है गाइस यहाँ पे, लेवल 40 का। हाँ क्या करना चाहिए गाइस, एक और है ब्लेज हाउल नॉक्ट, ये भी वही है, पायरिन नॉक्ट है। अरे यार रात का टाइम हो रहा है, टेम्परेचर डाउन हो रहा है, क्या करना चाहिए गाइस। यहाँ पर ना जगह है यहाँ पर रुकने की, अगर यहाँ पर फाइट करने की जगह होगी तो हम लोग फाइट कर सकते हैं उसके बाद से। मैं तो लग रहा है, मुझे तो लग रहा है रात में हमको ना एक फाइट तो बनती है गाइस, एक फाइट तो बनती है। मैं सीधे इसको गीगा हाइपर स्पेयर से कैप्चर करूँगा, मेरी हेल्थ जाएगी या तो कुछ होगा। अरे मार उसको अभी मैं। ओ शिट, ये क्या कर रहा है। अबे खतरनाक है गाइस, ये तो खतरनाक ही लग रहा है। रात के टाइम पर हम लोग फाइट कर रहे हैं, मुझे दिख गया था यार, कूल सा लग रहा था। मैंने कहा कि नहीं इसको कैप्चर करना तो बनता है। अब कैप्चर हो या फाइट करके हम लोग मर जाएं, जो भी है हम लोग फाइट तो करेंगे। इधर आ, थोड़ा खुली जगह में आना यार, कहाँ मस्त जगह। अरे कितनी सही जगह है तो लड़ने के लिए, बेहतरीन सी। पॉइजन असर करेगा देखो, 25 का डैमेज मिल रहा है उसको। चिट, क्या करा इसने, ये क्या करा इसने, कुछ अलग ही। अरे वाह ये तो एक बार में कैप्चर हो गया। ब्लरी बॉडी, क्या जबरदस्त पैसिव स्किल मिली है। अब प्रॉब्लम तो गैस ये है कि मेरे पास में जगह नहीं है। ट्रेनिंग मैनुअल में सिखा दूं इनको, जैसे फायर टाइप में सिखा सकता हूँ, किसको सिखाया जाए यार। लेकिन ओके मैं इसी को सिखा देता हूँ, चलो। एक और था ना ट्रेनिंग मैनुअल हमारे पास, ये भी मैं इसी को सिखा रहा हूँ। एक और था इसी,
इसको सिखा रहा हूँ, इसको सिखा रहा हूँ। चलो तीन खाली जगह हो गई, तीन हम लोग फ्रूट्स यहाँ से ले सकते हैं। ये जो फ्रूट यहाँ पर मिल रहे हैं ना, उनकी पावर कुछ ज़्यादा होगी गाइज। अभी एक और दूसरा नॉक्ट दिख रहा था कुछ रात के टाइम। देखो बार बार मैं यहाँ पर नहीं आऊँगा, अभी आ रखा हूँ तो क्यों ना वो जो दूसरा वाला नॉक्ट था उसको भी थोड़ा हम लोग रास्ता दिखाते हैं, बताते हैं कि हम लोग हैं कौन। इधर आओ, इधर आओ। कहाँ पे था वो गाइस? मेरे को दिख जाए, बस दिखना चाहिए ना, दिखेगा तो ही हम लोग कैप्चर कर पाएंगे, वरना दिक्कत होगी यार। रात बिल्कुल अंधेरा हो रहा है, कुछ नहीं दिख रहा मुझे। चलो छोड़ो गाइस, अभी हम लोग चल रहे हैं सीधा अपने बेस पे। अभी यहाँ अंधेरे में ना कुछ नहीं दिख रहा, कुछ नहीं। आई होप कि आप लोगों को दिख रहा हो कुछ, अगर नहीं दिख रहा होगा तो ऐसा ऐसा करके ना सब्सक्राइब बटन होगा उस पर हाथ डाल देना एक बार, मज़ा आ जाएगा। यहाँ पे मुझे ये क्या, वही है पायरिन है यार, पायरिन कैप्चर कर लिया था। अगर मुझे दोबारा वही दिखता ना जो एक स्टार्टिंग में छूटा था वो मैं कैप्चर कर लेता, बट अभी वो नहीं है यहाँ पे। तो चल रहे हैं गाइस अभी हम लोग। हाँ तो आज काफ़ी हम लोगों ने अलग अलग पाल्स को कैप्चर किया। यहाँ पर और भी हैं जो मैं नेक्स्ट टाइम कभी फिर आके कैप्चर करूँगा। अभी जो मैंने कैप्चर करे ना मैं खुद भूल चुका हूँ। एस्ट्रेजन ये बॉस है, इसको हम लोग यहाँ पर मारेंगे। वहाँ जाके मारने की जरूरत नहीं है, जहाँ पर हम लोग पहले गए थे ना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, वहाँ जाके मारने की जरूरत नहीं है। अब मैं एक चीज़ ये देख रहा हूँ गाइस, हम लोगों ने क्या क्या कैप्चर किया मैं भूल चुका हूँ। हाँ अभी हम लोगों ने ब्लेज हाउल नॉक्ट कैप्चर किया, एक बार इसको अपनी टीम में डाल रहा हूँ मैं। उसके बाद हम लोगों ने कैप्चर किया पायरिन, दो कैप्चर करे हम लोगों ने। उसके बाद हम लोगों ने कैप्चर किया यहाँ पे, ये भी आज ही कैप्चर करी है वैसे, इसको ना एक बार मैं बेस में डालता हूँ। हाँ तो ये सारे हम लोगों ने आज कैप्चर करे हुए हैं। इसके अलावा और कोई है? एक बार बाय लेवल में देख लेता हूँ स्टार्टिंग से, क्या हमारे पास और कोई पाल है? फर्स्ट में चलते ज़रा, तो नहीं है और कोई नहीं है। हाँ पायरिन तो यही था ना, पायरिन जो हम लोगों ने कैप्चर कर लिया था, और वॉन्डरिंग मर्चेंट तो ये वही है। चलो एक बार बॉस ये देखो, ये बंदा कितना कूल लग रहा है, पेस्ट कंट्रोल वाला है। यहाँ पर जो भी मच्छर वच्छर आएंगे ना उसका ध्यान रखेगा। ये है बंदा, लड़का है लड़की पता नहीं कोई नहीं, बट जो भी है कूल सा लग रहा था, मैंने कैप्चर कर लिया। ठीक है ये एक हम लोगों ने कूल से ओपी पाल्स कैप्चर करे। उसके बाद सबसे पहले सरफेंट, ये सरफेंट हो गया, ये लाइलिन होगी, और ये हो गया हमारा पायरिन, क्या जबरदस्त लग रहे हैं। ये हो गया हमारा ब्लेज आउट नॉक्ट जो लास्ट में हम लोगों ने कैप्चर करा। अरे वाह यार ये क्या रेयर पाल्स है गाइस, क्या जबरदस्त लग रहे हैं। इनकी पावर्स भी मैं आपको दिखाता हूँ। उसके अलावा और हमारे पास कोई है? नहीं। उसके अलावा मैं आपको एक और दिखाता हूँ, एक हमने पहले कैप्चर नहीं करा था डार्क वाला, वो तो आप लोगों ने देख ही लिया था ना। वैसे मैं आपको दिखा देता हूँ वो कहाँ चला गया, वो शायद थोड़ा सा नीचे लेवल वाला था, वो भी मेरे को दिख नहीं पा रहा है। वो ना अपने बेस पर काम कर तो रहा है यार, ये देखो काम कर रहा है ना यहाँ पर। ये देखो आज हम लोगों ने क्या जबरदस्त पाल्स कैप्चर करें। अब बारी आती है इनको देखने की। सबसे पहले किंडलिंग लेवल 2 लंबरिंग लेवल 1, लेकिन अटैक देखो 434 का अटैक है इसका, देख रहे हो गाइस 434 का। इसका अटैक कितना है? 370 का। इसका अटैक कितना है? 429 का, 429 का। और किंडलिंग लेवल 3 है, ब्लरी बॉडी यानी कि डिफेंस 20% का देगा, पॉजिटिव थिंकर है और खाना कम खाएगा, 10% इंक्रीज टू डार्क अटैक डैमेज। अच्छा खासा है यार, मतलब मजे आ गया। और ये भी है हमारे पास प्लांटिंग लेवल 4, हैंडीवर्क लेवल 3, मेडिसिन लेवल 3। कितने जबरदस्त पाल्स है गाइस, क्या जबरदस्त। और ये देखो इसको देखो आप एक बार, 434 का अटैक है, इसके बाद सैटिस्फाई। और बाकी इसको देखो गाइस, ये हम लोगों ने बनाया है, पैदा करा हुआ है, लेवल 20 का हो चुका है ये भी, क्योंकि हम लोगों ने फाइट में लेके गए थे इसको अपने साथ। एक बार ना इसको दिखाना बनता है गाइस, कहाँ चला गया ये, एक बार ना इसको मैं लेके चल रहा हूँ यहाँ पे। हम लोग इसको थोड़ा ना दौड़ाते हैं, इसकी स्पीड में आपको दिखाता हूँ गाइस। ये देखो स्पीड देखो आप मज़ा नहीं आ रहा, ये देखो इससे एक्सप्लोर करने में ऑलरेडी उसकी बहुत फास्ट लग रही थी, लेकिन इसकी स्पीड 40% और फास्ट हो चुकी है। भाई हट यहाँ से। ये देखो यार क्या जबरदस्त पाल कैप्चर हम लोगों ने करा। तो फिलहाल गाइस इसी के साथ आज का ये एपिसोड भी हम लोग खत्म करते हैं। मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट एपिसोड में। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।